हाँ जी, हेलो 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 हेलो। चलो यार, वेलकम बैक टू येट अनदर बूस्टर रिवीजन ऑफ लॉ। सो बूस्टर रिवीजन है लॉ का दोस्तों, सीएमए इंटर लॉ एंड एथिक्स का। आज हम लोग जो बूस्टर करने वाले हैं ना, मैं बता दूं, जो आज हम लोग करने वाले हैं इस सेशन के अंदर, यहां से आपका कल का समझ लो 50 से 60 नंबर जो है ना कॉमन आने वाला है, 50 to 60 मार्क्स कॉमन आने वाला है। चलो यार, धन धनाधन फटाफट जुड़ जाओ, वीडियो को फटाफट लाइक बटन दबा दो, वीडियो को फटाफट लाइक बटन दबा दीजिए दोस्तों, ताकि हम लोग जो है वो स्टार्ट कर सके। वीडियो को फटाफट लाइक बटन दबा दीजिए, ताकि यूट्यूब जो है बाद बाकी लोगों को भी बता सके, यूट्यूब का नोटिफिकेशन बाद बाकी लोगों को भी चला जाए, क्योंकि यूट्यूब का नोटिफिकेशन अभी तक गया नहीं है। तो फटाफट वीडियो को लाइक बटन दबा करके दूसरों को इन्फॉर्म कर दीजिए। चलो भाई, फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ, फटाफट। हाँ, सर सब्जेक्ट का बूस्टर, सर आपने सब्जेक्ट बहुत बढ़िया पढ़ा रखा है, सब्जेक्ट सर आप कितना बार रिवीजन कराएंगे सर? लेकिन आज जो है ना, रिवीजन क्लास भी स्पेशल लेने वाला भाई, फटाफट जुड़ जाइए। सर सब्जेक्ट का बूस्टर के पहले सर हमें मोटिवेशन बूस्टर का डोज भी दीजिए। सर सब्जेक्ट का रिवीजन तो आप करवाइएगा, लेकिन सब्जेक्ट का रिवीजन कराने के पहले ये जो मिसमैनेज्ड एग्जाम्स हो रहे हैं सर, उसमें भी सर हम लोग को मोटिवेशन करिए, सर हम लोग को राह दिखाइए, उसमें भी हम लोग को बूस्टर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, उसका भी आपको मिलेगा, उसका भी आपको मिलेगा। बट उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो सबके साथ शेयर कर दीजिए। बिल्कुल, आई विल बी क्लैरिफाइंग ऑन ऑल द र्यूमर्स, डू नॉट वरी अबाउट इट, डू नॉट वरी अबाउट इट। जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। चलिए जनाब, स्टार्ट करते हैं सेशन, स्टार्ट करते हैं सेशन। बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्ट किया जाए। जी जनाब, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं यार। कुछ कुछ र्यूमर्स फैल रहे हैं कि कल का लॉ का पेपर जो है वो कैंसिल हो जाए। जब तक इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर नहीं आ जाता, तब तक ये बात पर विश्वास मत करना, नहीं तो मर जाओगे। ओके, क्लियर? जब तक इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर नहीं आ जाता और मैं जब तक अपने चैनल पर वीडियो नहीं बना देता, तब तक विश्वास मत करना। तो र्यूमर से बचे, अगर ऐसा कुछ होगा मैं वो आदमी रहूंगा जो सीना टर्न करके आपके लिए हमेशा खड़ा रहता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम्स कैंसिल है, जब तक इंस्टीट्यूट का वेबसाइट पर नहीं आ जाता और मैं आपको नहीं बता देता, तब तक एग्जाम्स कल हो रहे हैं। हाँ, एक पर्टिकुलर सेंटर जो है जेएन इंटरनेशनल, सुनने में आया है, सुनने में आया है कि न्यू एरा टेस्ट सीरीज, न्यू एरा टेस्ट सर्विस का जो सेंटर है ना, और कुछ कुछ सेंटर्स में जो है जिन बच्चों को मेल आया है उनका एग्जाम्स जो है वो कैंसिल किया गया है। खाली कल का नहीं, उनका तो सारे एग्जाम्स मेरे ख्याल से कैंसिल किया गया है। ठीक है, तो वो ईमेल में आया है। बट जब तक ऐसा र्यूमर्स जो फैल रहा है कि कल का लॉ का पेपर ही नहीं है, ये र्यूमर है, इसके ऊपर, अफवाहों के ऊपर बिल्कुल विश्वास ना करें, अफवाहों के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। कल आपका लॉ का पेपर है और बहुत बढ़िया जाने वाला है। देखो अभी क्या हो रहा है, लास्ट टर्म में पेपर पैटर्न गड़बड़ था, इस टर्म में एटलीस्ट जो पेपर्स आ रहे हैं वो बहुत, जो स्टूडेंट से मेरा बातचीत हुआ है कि पेपर पैटर्न सही आ रहा है। ठीक है, पेपर जो है वो बढ़िया हो रहा है। ठीक है, लेकिन टोटली मिसमैनेज, टोटली मिसमैनेज। मतलब आज मैं सोच रहा था कि आज क्या होगा, आज कहां एग्जाम कैंसिल होगा, और जितना मैं सोच सकता था उसके भी बियॉन्ड आज तो हद हो गया
इन्होंने ओएमएसएम के पेपर की जगह पेपर टू दे दिया। ओएमएसएम के पेपर की जगह, हाँ थोड़ा सा लैग आया है, थोड़ा सा लैग आया दोस्तों, थोड़ा सा लैग आया है। मैं यहां से रिफ्रेश कर दिया हूं, अब आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने यहां से रिफ्रेश कर दिया। ऑल ओके ऑल ओके ऑल ओके ऑल ओके ऑल ओके नाउ मैंने यहां से रिफ्रेश कर दिया, फटाफट आ जाओ, बहुत सारी बातें करनी है। ऑल ओके ऑल ओके ऑल ओके ऑल ओके, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। एक छोटा सा नन्ना सा लैग आया था, फ्रेंड्स को बोल दीजिए फिर से आ जाए रिज्वाइन कर। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, 10 seconds। चलिए चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज तो भाई सारा एक्सपेक्टेशन ही मेरा जो है वो क्रॉस कर गया कि आज इन्होंने लॉ का पेपर जो है ना बहुत सारे सेंटर्स में जो है दे दिया। एक्चुअल में पेपर वन अकाउंट्स, पेपर टू लॉ, बट जो एग्जामिनेशन इनका वेंडर है उनको पता नहीं था कि आज ग्रुप टू का पेपर है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से उसी कंफ्यूजन में इन्होंने पेपर टू जो है वो दे दिया होगा, उसी कंफ्यूजन में पेपर टू दे दिया होगा। मैं फिर से बता दूं, अफवाहों में मत पढ़ो, ठीक है। दिल्ली के कुछ कुछ सेंटर्स में, दिल्ली के कुछ कुछ सेंटर्स में बेटा, दिल्ली के कुछ कुछ सेंटर्स में बेटा एग्जाम्स जो है वो रीशेड्यूल हुआ है, ठीक है। अगर आप अफवाहों में पढ़ोगे तो आपका पेपर जो है पता चला कल हो गया और आप एब्सेंट मार्क कर दिए जाओगे। चलो अब कल का बात करते हैं दोस्तों, बूस्टर रिवीजन का बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। मैं आपको पहले बता दूं, बिल्कुल मिसमैनेज हुआ है एग्जाम्स, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय पढ़ाई के। देखो बोलते हैं ना कीचड़ में कमल खिलता है, आप वो कमल हो। इससे ज्यादा मैं अब क्या बोलूं, कीचड़ में कमल खिलता है ना वो आप कमल हो, आप वही कमल हो, आप खिलोगे। और जहां तक बात है सीएमए कोर्स का, बहुत बढ़िया कोर्स है, जो पैकेजेस मिल रहे हैं 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख, तो वो तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए, जो तुम यहां तक आ चुके हो, ठीक है। अब चाहे कितना भी कठिनाई आ जाए हम लोग छोड़ेंगे नहीं और एकदम क्रैक करके रहेंगे, एकदम क्रैक करके रहेंगे बेटा, एकदम चीरफाड़ मचा करके रहेंगे, है ना। बिल्कुल सर आपके साथ है सर। तो जो र्यूमर्स फैल रहे हैं, नंबर वन जो र्यूमर्स फैल रहे हैं कि कल सारे जगह एग्जाम्स कैंसिल हो गया है, मैं वो र्यूमर को बिल्कुल नहीं मानता। वो र्यूमर है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे आपका पेपर खराब चला जाएगा। दिल्ली के कुछ कुछ सेंटर्स में सारे एग्जाम्स को कैंसिल किए गए हैं, आपका उसे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको ईमेल नहीं आया है तो, ईमेल आया तब पता लगेगा, अगर ईमेल नहीं आया तो आपका कल पेपर है, तब आपका कल पेपर है, ठीक है। और अगर पेपर नहीं होगा, चाहे आधा रात को भी अगर ये नोटिफिकेशन आए, तुम्हारा भाई रात भर सोएगा नहीं, जग करके तुम्हारे लिए रात को 12 बजे 2 बजे भी वीडियो बनाएगा, तुम टेंशन मत लो, मेरे को चैन नींद थोड़ी ना रहा है, ठीक है। नंबर टू कि आप दलदल में आप जो है कमल खिला रहे हैं, ठीक है, आप कीचड़ में कमल खिला रहे हैं, तो आप वो कमल है, आपको खिलना है। और आपको जो इंस्टीट्यूट का पैकेज है 18 लाख 20 लाख का, वो आपको पाना है। आपको अपना परिवार का नाम रोशन करना है, मम्मी पापा जो आंस लगा रखे हैं आपको वो पूरा करना है। हम क्यों छोड़ेंगे, हम क्यों छोड़ेंगे कोर्स, कोर्स बहुत बढ़िया है,
इंस्टीट्यूट भी बहुत बढ़िया है, कुछ कुछ मेंबर्स भी बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ कुछ मेंबर्स का इनएक्शन, कुछ कुछ मेंबर्स का गलती के कारण सबको भुगतना पड़ रहा है, उनको हटाना होगा, वो जाएंगे, दे शुड बी रिमूव, दे शुड बी सैक्ड। और जहां तक मेरा बात है, मैं तो ऑलरेडी जो है इन लोग मेरे ऊपर केस कर रखे हैं, कोर्ट केस चलता है, संभाल लेंगे, लेकिन जहां पर स्टूडेंट के हित का बात आएगा मैं सबसे आगे खड़ा रहूंगा। लास्ट बार मैं अकेले था जो ये इंस्टीट्यूट में जो रिप्रेजेंटेशन देने गया था उसके लिए मेरे ऊपर कोर्ट केस किया गया है, मैं कोर्ट में केस फाइट कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे लिए कुछ भी, लेकिन ना इंसाफी नहीं सही और ना सहने देंगे। कोर्स बहुत बढ़िया है, बेस्ट है, बहुत बढ़िया है। जो फ्रेशर्स को अभी पैकेज मिले 15 लाख 18 लाख 20 लाख, मजाक थोड़ी ना यार, हमें भी चाहिए, हमारे बच्चों को भी वो चाहिए। कुछ लोगों की वजह से हम लोग नहीं जाएंगे, वो लोग जाएंगे। चलिए तो दोस्तों अभी अपने को क्या करना है, थोड़ा सा एक स्माइल दे दो यार, अब स्माइल के अलावा और कुछ है क्या? तुम जो सोच सकते थे उससे भी तो बियॉन्ड इमेजिनेशन काम हो रहा है, ठीक है, जो जो हम लोग सोच सकते थे उससे भी बियॉन्ड इमेजिनेशन काम हो रहा है, ठीक है। तो एक हल्का सा स्माइल दे दो, स्माइल तो आ गया, स्माइल तो आ गया, स्माइल तो आ गया, यू कैनॉट हाइड इट। चलो दोस्तों, कल लॉ एंड एथिक्स का अपना पेपर है, उसके बारे में अपने बातचीत कर रहे हैं दोस्तों। लॉ एंड एथिक्स का जो पेपर है बेटा, अपने उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं कि क्या क्या रिसोर्सेज अपने कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक देख लेते हैं, लगभग 1-1.5 घंटा का वीडियो रहने वाला है, मेरे साथ रहो, मन शांत हो जाएगा, ऐसे भी तुम्हारा पढ़ाई नहीं हो रहा, मेरे साथ रहो, मन शांत हो जाएगा, ठीक है। ये 1-1.5 घंटा का वीडियो देख लेते हैं तो आपका समझ लीजिए सारे जितने भी कल एमसीक्यूज आएंगे सब वीडियो से जो है ना आपका मैच कर जाना चाहिए, ठीक है। और 40-50 मार्क्स, एटलीस्ट 50-60 मार्क्स जो है ना आज का बूस्टर रिविजन से आई एम प्रेडिक्टिंग की आना चाहिए, ठीक है। और क्या क्या रिसोर्सेज आपके पास है, और क्या क्या रिसोर्सेज है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, क्या क्या रिसोर्सेज आपके पास। ऑलरेडी मैंने लास्ट वीक एकदम ताजा 11 घंटा का मैराथन डाला था इंडस्ट्रियल लॉ का, जिसमें इंडस्ट्रियल लॉ भी है, कमर्शियल लॉ भी है एंड एथिक्स भी है, इंडस्ट्रियल लॉ, कमर्शियल लॉ एंड एथिक्स भी। सो इंडस्ट्रियल लॉ, कमर्शियल लॉ एंड एथिक्स, इंडस्ट्रियल लॉ, कमर्शियल लॉ एंड एथिक्स, इसका बेटा इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एंड एथिक्स का वेटेज क्या है, 65 मार्क्स। ये पूरा का पूरा 65 मार्क्स का मैराथन वीडियो मैंने डाल रखा है, ठीक है। अब 11 घंटा का वीडियो है, किसी को कुछ नहीं पढ़ा हुआ इंडस्ट्रियल और कमर्शियल और एथिक्स तो आग बंद करके 11 घंटा का वीडियो 1.5x या 2x में देख लो, 6-7 घंटा में सल्टा दो, ठीक है, तुम्हारा बम्बम है तुम्हारा। इसमें मैंने पूरा एथिक्स कवर करा रखा है, पूरा एथिक्स, पूरा PFRDA जिसमें बहुत बच्चों को दिक्कत आता है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, पूरा इंडस्ट्रियल और पूरा कमर्शियल कवर है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो, NIE हो, चाहे सोगा हो, चाहे पार्टनरशिप हो, सब कुछ इंडस्ट्रियल कमर्शियल एथिक्स, 65 मार्क्स का मैराथन वीडियो ऑलरेडी मैंने लास्ट वीक यूट्यूब पर अपलोड कर दिया था, ठीक है। इसी बात पर एक लाइक बटन तो दबा दो, लाइक बटन अभी तक नहीं दबाया, ऐसा मेरे साथ क्या रूट है ना, लाइक बटन तो दबा दो। कंपनी लॉ का बेटा मैराथन जो है ना, कंपनी लॉ का मैराथन मैंने 2 मैराथन डाल रखा है, 2 मैराथन, एक तो सेक्शन 1 से लेकर के 122 बेटा, और एक डायरेक्टर्स, ठीक है, सेक्शन 1 से 122 एंड डायरेक्टर्स। तो कंपनी लॉ का मैंने 2 मैराथन डाल रखा है, तो ये 3 वीडियो हो गया मैराथन से रिलेटेड दोस्तों, ये तीनों वीडियो मैराथन से रिलेटेड। चौथा बात ये बेटा कि MTP पार्ट 1, ठीक है, जो इंस्टीट्यूट ने बहुत पहले रिलीज किया था इस टर्म के लिए, जो MTP पार्ट 1 था बेटा, MTP पार्ट 1, वो भी मैंने सॉल्व करा करके डाल रखा है। तो आपको रिसोर्सेस क्या क्या हैं, यूट्यूब वीडियोस क्या क्या हैं, एकदम ताजा लास्ट हफ्ता, मतलब एक वीक भी नहीं हुआ, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एंड एथिक्स 65 मार्क्स का पूरा एग्जॉस्टिव मैराथन है। कंपनी लॉ खुद से मत पढ़ो, मैराथन से देख करके सल्टा दो, पूरा सेक्शन 1 से 122 का मैराथन है, डायरेक्टर्स का भी मैराथन है, ये 3 वीडियो आपको देख लेने। MTP पार्ट 1, ठीक है, 30-40 मिनट का MTP पार्ट 1 है, 30-40 मिनट का MTP पार्ट 1 है, वो भी आपको देख लेना, ठीक है ना। तो बेटा ये चार वीडियो है सर, इसका लिंक सर हम लोग कहाँ खोजें, पागल हो क्या मेरे बच्चे, खोजोगे क्या, ना हम तुमको देंगे। ये चारों वीडियो यूट्यूब पर है हमारे, मोहित अग्रवाल चैनल पर, आपको खोजने का दरकार नहीं है। आप CMA इंटर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, MEPL का CMA इंटर टेलीग्राम ग्रुप, देखो बेटा MEPL का CMA इंटर टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो लाइव चैट में पिन किया हुआ है, लाइव चैट में पिन किया हुआ है, फटाफट टेलीग्राम ग्रुप को अभी के अभी ज्वाइन कर लो, MEPL CMA इंटर टेलीग्राम ग्रुप। जैसे ही वीडियो खत्म होगा ये मैं चारों का चारों लिंक जो है वहां पर शेयर कर दूंगा नोट्स के साथ, तो चारों का चारों यूट्यूब का रिविजन लिंक नोट्स के साथ मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है।
कहां पर? टेलीग्राम ग्रुप में, जहां पर स्टूडेंट लोग एक दूसरे का डाउट्स वगैरह भी सॉल्व करते हैं, एमईपीएल सीएम इंटर का टेलीग्राम ग्रुप। क्लियर है सर? क्लियर सर। नेक्स्ट बात अब हम लोग करें कि आज ये बूस्टर रिवीजन में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये बूस्टर रिवीजन में हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से। लास्ट टर्म का जो एक्चुअल ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसका सजेस्टेड आंसर डिस्कस करेंगे, बहुत जरूरी है ताकि तुम्हें पता लगे कि लॉ में हमें कितने आंसर्स लिखने हैं, लॉ में कितना बड़ा आंसर लिखना है। वो तभी पता चलेगा जब इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर हम लोग को देखना पड़ेगा, तो वो अभी हम आपको दिखाएंगे सजेस्टेड आंसर लास्ट टर्म का। और इस बार का जो एमटीपी सीरीज टू, ठीक है, सीरीज वन तो ऑलरेडी कवर हो चुका है, सीरीज टू, एमटीपी सीरीज टू जो अभी ताजा ताजा एक दो हफ्ता पहले इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया था, वो भी अभी हम लोग सोल्व करके सल्टा देंगे, वो भी अभी हम लोग सोल्व करके सल्टा देंगे। क्लियर है बेटा? तो आज बूस्टर रिवीजन में हम लोग क्या करने वाले हैं, बूस्टर रिवीजन में हम लोग तीन चीज करने वाले हैं बूस्टर रिवीजन में। एक तो सीरीज टू सॉल्व करने वाले, एमटीपी का सीरीज टू सॉल्व करने वाले हैं, सजेस्टेड आंसर लास्ट टर्म का हम आपको दिखाने वाले हैं कि लॉ में कितना बड़ा आंसर लिखना है, ठीक है, कितना वर्ड्स का आंसर लिखना है, कितना पैराग्राफ्स में लिखना है, वो सब बताने वाले, पॉइंट में लिखना है, ठीक है। और तीसरा बात, सीएमए इंस्टीट्यूट का जो बिट क्वेश्चन है ना, वो ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, यूट्यूब पर भी अपलोडेड है, लेकिन मैं फिर से वो जो है ना आपके साथ यहाँ पर जो है उस वीडियो को चला दूंगा। कब? सीरीज टू एमटीपी डिस्कस करने के बाद, सीरीज टू एमटीपी डिस्कस करने के बाद, लास्ट टर्म का सजेस्टेड आंसर डिस्कस करने के बाद मैं बिट क्वेश्चंस चला दूंगा। 200 एमसीक्यूज है, उसी के अंदर से कल के पेपर में आपके आने वाला है, वो मैं चला दूंगा, ठीक है, ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड कर लिया। चलो अभी लाइव सेशन को कंटिन्यू करते हैं बेटा, आगे चलो, आ जाओ, आ जाओ जनाब, फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ बेटा, फटाफट आ जाओ। अरे ये क्या यार, अभी तक जो है वीडियो को लाइक बटन नहीं दबाया, वीडियो को लाइक बटन पक्का से दबा दो। चलो एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन ए का, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एकदम चीर फाड़ करके फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज इसमें से क्या होता है यार, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है बताओ, तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है बताओ, बैंकर्स ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज इसमें से क्या होता है? अरे यार बिल ऑफ एक्सचेंज इसमें से बैंक ड्राफ्ट होता है, बैंक ड्राफ्ट इज अ टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, इट इज एन ऑर्डर। क्लियर? यस सर। अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट जो है वो अप्रूव कौन, अरे यार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है, बीओडी अपॉइंट करता है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ सैलरी और वेज, सैलरी और वेज के अंदर क्या आता है बताओ, सैलरी और वेज के अंदर क्या आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ सैलरी वेज, कमीशन आता है भाई, बोनस एक्ट में अलग डेफिनेशन है, पीएफ एक्ट में अलग डेफिनेशन है, तो ये क्वेश्चन ही इनवैलिड है, क्योंकि बोनस में अलग डेफिनेशन है सैलरी का, पीएफ में अलग है, वेजेस एक्ट में अलग है, ग्रेच्युटी एक्ट में अलग है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो इन्होंने एक्ट का नाम ही मेंशन नहीं किया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिगार्ड टू शेयर सर्टिफिकेट, कौन सा इसमें से सही नहीं है शेयर सर्टिफिकेट से रिलेटेड? द कंपनी सेक्रेटरी शैल इशू द शेयर सर्टिफिकेट, ऐसा नहीं होता, डायरेक्टर इशू करता है। द शेयर सर्टिफिकेट शैल बी इशूड हाँ एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन, डिस्टिंक्टिव नंबर रहेगा, डीमैट में भी रह सकता है, सीएस इशू करेगा, ये बात गलत है। नो मिनिमम वेजेस कैन नॉट, नो मिनिमम वेजेस कैन नॉट बी फिक्स्ड वेयर द डिस्प्यूट इज पेंडिंग, बिल्कुल जब डिस्प्यूट है तो मिनिमम वेजेस आप फिक्स नहीं कर सकते, अगर डिस्प्यूट पेंडिंग है तो आप मिनिमम वेजेस फिक्स नहीं कर सकते। क्लियर? एट एवरी एजीएम नॉट लेस देन, बताओ हर एजीएम में कितने डायरेक्टर रिटायर होंगे बाई रोटेशन, बताओ बताओ बताओ, टू थर्ड रोटेशनल होते हैं, रोटेशनल टू थर्ड होते हैं और उसका वन थर्ड रिटायर होता है, उसका वन थर्ड रिटायर होता है, सो एट एवरी एजीएम वन थर्ड, एटलीस्ट वन थर्ड ऑफ द टोटल डायरेक्टर शैल रिटायर बाय रोटेशन। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, अरे यार चार्ज वंस क्रिएटेड मस्ट बी रजिस्टर्ड विद इन 30 डेज। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम प्रोवाइड्स फॉर, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में क्या रहता है, सुपर एन्युएशन रहता है, बिल्कुल सुपर एन्युएशन पेंशन रहता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या चाहिए, कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, टर्म्स ऑफ कंसेंट शुड बी, कंसेंट टर्म्स ऑफ कंसेंट तो कुछ नहीं होता, पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। पेंशन फंड इज एडमिनिस्टर्ड बाय, पेंशन फंड कौन एडमिनिस्टर करता है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करता है, पेंशन फंड इज एडमिनिस्टर्ड बाय सीजी। एट अ मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर रेजोल्यूशन शैल बी, मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर में जो क्रेडिटर का मीटिंग रहता है, रेजोल्यूशन इज डीम्ड टू बी पास व्हेन मेजॉरिटी इन वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर प्रेजेंट पर्सनली और बाय प्रॉक्सी एंड वोटिंग ऑन द रेजोल्यूशन डैश ऑफ द रेजोल्यूशन। भाई मेजॉरिटी बोल तो दिया, मेजॉरिटी, मेजॉरिटी इन द वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर पर्सनली और बाय प्रॉक्सी एंड वोटिंग ऑन द रेजोल्यूशन, ठीक है, तो पास हो जाता है, रेजोल्यूशन शैल बी डीम्ड टू बी पास व्हेन अ मेजॉरिटी इन द वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर पर्सनली और बाय प्रॉक्सी एंड वोटिंग ऑन द रेजोल्यूशन डैश ऑफ द रेजोल्यूशन। इन लोग क्वेश्चन ही गलत बनाया बेटा, मैं क्या करेगा बताओ, विच क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ बता दो, ऑपरेशन ऑफ लॉ
मर्जर से डिस्चार्ज हो जाता है, इंसॉल्वेंसी से डिस्चार्ज होता है, अनऑथराइज्ड ऑल्टरेशन से डिस्चार्ज होता है। करेक्ट आंसर है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर इन्होंने आंसर गलत दे रखा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी 200, ठीक है, इसका आंसर गलत था, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेक्ट होगा क्योंकि मर्जर, इंसॉल्वेंसी, अनऑथराइज्ड ऑल्टरेशन और डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। क्लियर है सर? और क्वेश्चन वन का भी आंसर इन्होंने जो है ना गलत ही दे रखा है, बैंकर्स ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट सभी होता है, ठीक है। क्वेश्चन वन भी जो है ना इनका एरोनियस, एमटीपी भी गलत बनाते हैं, क्या बोले क्या बोले भाई। ये जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ये खाली एकेडमिक पर्पस के लिए, मैं पहले आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ। विच ऑफ दीज आर कॉमन अनएथिकल प्रैक्टिसेस बाय एग्जीक्यूट विच ऑफ दीज आर कॉमन अनएथिकल प्रैक्टिसेस बाय एग्जीक्यूटिव्स ऑफ कॉर्पोरेट। अच्छा, लीक ऑफ नॉलेज, ईगो डोमिनेंस, अकोमोडेटिंग अ ग्रुप, ऑल ऑफ द अबव। सारे आंसर गलत है भाई, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर सही है। एज ऑफ एडोलेसेंट वर्कर जो है, एज ऑफ एडोलेसेंट वर्कर क्या होता है भाई, 14, और इन्होंने क्या रख रखा है भाई, ये भी गलत है यार, 14 भी नहीं। सारे आंसर इन लोग गलत ही दे रखे। एवरी कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स, ठीक है, एवरी कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स, हाँ ये ठीक है, रजिस्टर मेंबर फॉर्म नंबर MGT1 में रखेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नीड फॉर बिजनेस एथिक्स, गुड इमेज, कंज्यूमर राइट, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। बोनस शेयर्स फ्री रिजर्व से दे सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम, CRR, एनी ऑफ द अबव से दे सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में इसमें कौन सा फीचर नहीं है, तीन पार्टी होता है, यहाँ दो पार्टी बोल रखा है, तो गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट ऑफ अनपेड सेलर, अनपेड सेलर का राइट कौन सा है भाई, अनपेड सेलर का राइट कौन सा है, लियन ऑन गुड है, राइट ऑफ रीसेल है, एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट है, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक लिस्टेड कंपनी, बता दो पब्लिक लिस्टेड कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना चाहिए, 7 चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स, क्या बात है, 7। द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, ये तो आप लोग पढ़ रखे हैं, 4 साल रहता है। फिर ऐसा कौन सा एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सिबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी बट नॉट इनफोर्सिबल एट द ऑप्शन ऑफ अदर, अग्री पार्टी के बोलने पर इनफोर्सिबल है, उसको बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। प्रेफरेंस शेयर्स मैक्सिमम कितना साल का हो सकता है, 20 साल का हो सकता है, और आप ये भी लिखेगा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कंपनी है तो 30 ईयर्स विद एन ऑप्शन टू रिडीम 10% एवरी ईयर फ्रॉम 21st ईयर। नो ऑफर ऑफ बाईबैक शैल बी मेड, आपने एक बार बाईबैक कर लिया तो अगला कितना साल तक बाईबैक नहीं कर सकते, 1 साल तक। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एथिक्स इज यू लर्न टू रिकॉग्नाइज एथिकल इश्यूज, फर्स्ट यू नीड टू लर्न टू रिकॉग्नाइज एथिकल इश्यूज, देन यू कैन अप्लाई द बिजनेस। आप कितना डिबेंचर इशू कर सकते हैं, अच्छा जब डिबेंचर इशू किया जा रहा है ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, DRR कितना बनाना पड़ता है, बता दो भाई, 25% बनाना पड़ता है, बिल्कुल सही जवाब। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंडोर्स इन ब्लैंक, अरे ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू किसको, बेरर। हेलो, ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू बेरर, ठीक है। फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये सिलेबस का ही क्वेश्चन नहीं है बेटा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इंस्टीट्यूट ने 5 साल पहले सिलेबस से हटा दिया था, लेकिन इसका क्वेश्चन दिया। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता कोई दिक्कत नहीं, आपको मार्क्स मिलेगा, फ्री का मार्क्स मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पार्टनर में गिव अ पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म इन ऑर्डर टू एब्सॉल्व हिमसेल्फ, अगर पार्टनर ने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बता दो। एब्सॉल्व हिमसेल्फ फ्रॉम द लायबिलिटी ऑफ द एक्ट ऑफ द अदर पार्टनर डन आफ्टर हिज रिटायरमेंट इज नोन एज ऑस्टेंसिबल पार्टनर, बोलेंगे ऑस्टेंसिबल पार्टनर। फिर एक मिनट चार्ज करके ला दीजिए। What are the essentials of a valid contract? ये कल के पेपर में आने का बहुत हाई चांसेस है बेटा। What are the essentials of a valid contract? बेटा ये कल के आपके पेपर में आने का बेटा बहुत हाई चांसेस है जी। ओके जनाब, बहुत हाई चांसेस है। What are the essentials of a valid contract? तो चालू कर देना बेटा, पहले कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन लिख देना। Contract means an agreement enforceable by law and following are the essentials of a valid contract. Following are the essentials of a valid contract as per section 10. Section 10 ke bare mein sara likh dena. There must be a valid offer and acceptance between two parties. There must be intention to create legal relationship. Yaad hai na? There must be a lawful consideration. Samjhana nahi hai, inhone khali points likhe, aap bhi points likhe. There must be lawful consideration. There must be legal capacity of the parties. That is, the party should not be minor, lunatic or person disqualified by law. There should be free consent of the party. The object should not be illegal. हो गया? You got it? समझ गए सर, समझ गए, आप भी समझ गए, हम भी समझ गए, तो आने का बहुत चांसेस है भाई।
स्टेट द लाइबिलिटीज ऑफ एनी थ्री, स्टेट द लाइबिलिटी, नटखट हो तुम लोग भी, हाँ बदमाश हो, समझ जाते हो मेरे अंदर के बात को भी समझ जाते हो, ये हुआ ना केमिस्ट्री, ये हुआ ना भाइयों के बीच का बात। स्टेट द लाइबिलिटीज ऑफ एनी थ्री डिफरेंट पार्टीज ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, लाइबिलिटीज ऑफ थ्री डिफरेंट पार्टीज ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो प्रिंसिपल एजेंट और थर्ड पार्टी का लाइबिलिटी लिख देना, ठीक है। फिर व्हाट आर द प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म पार्टनरशिप, ले तो पार्टनरशिप का सारा फीचर्स लिख देना भाई, पार्टनरशिप का सारा फीचर्स लिख देना बेटा। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, सर लास्ट बार सर आपने जो बोला था ना सर ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर आएगा तो वो आ गया था सर, इस बार आपको क्या लग रहा है सर? डायरेक्टर्स रेमुनरेशन, हाँ हाँ रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर पढ़ करके जाना, रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर सेक्शन नंबर 197 में, सेक्शन नंबर 197 रेड विथ शेड्यूल नंबर 5, सेक्शन नंबर 197 रेड विथ शेड्यूल नंबर 5 पढ़ करके जाना, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी और लॉस मेकिंग कंपनी का। स्टेट द डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, ये भी आने का प्रोबेबिलिटी है भाई, स्टेट द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स भी आने का हाई प्रोबेबिलिटी, सेक्शन 164 पूरा पॉइंट्स लिख करके आ जाना, ठीक है पूरा पॉइंट्स लिख करके आ जाना। डिफरेंट एरियाज ऑफ बिजनेस एथिक्स अपने मैराथन रिविजन में भी कर रखे हैं, रेगुलर बैच में कर रखे हैं, सब कुछ कर रखे हैं बेटा, सब कुछ कर रखे हैं, ठीक है। तो एरियाज इन बिजनेस एथिक्स लिख देना भाई, कौन कौन सा एस्टैब्लिशमेंट है जिसके ऊपर बोनस एक्ट एप्लीकेबल नहीं, पब्लिक सेक्टर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, यहाँ से पढ़ लेना, LIC के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, RBI के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, बोनस एक्ट LIC के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, RBI के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, इट डज नॉट अप्लाई ऑन LIC, RBI, पब्लिक सेक्टर। प्रोसीजर टू कन्वर्ट 1% कंपनी इंटो लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शिफ्टिंग रजिस्टर ऑफिस सेक्शन नंबर 13 के हिसाब से आप लिख दीजिएगा शिफ्टिंग रजिस्टर ऑफिस, ठीक है आप पॉइंट वाइज लिखेगा ताकि चेक हो। ऑक्यूपायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्ट्री एक्ट में अपने पढ़ रखे हैं। NPS का फीचर्स, यार फीचर्स ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम, जबरदस्त चीर फाड़ करके PFRDA में अपने पढ़ रखे हैं, जिसका थोड़ा सा हिला हुआ है कंसेप्ट वो मेरा मैराथन वीडियो रेफर कर सकता है जो मैंने लास्ट वीक डाला था इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एंड एथिक्स का, ठीक है। फिर शॉर्ट नोट आया है अंडू इन्फ्लुएंस डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, सब आता है ना कंज्यूमर मूवमेंट एंड एथिकल इश्यूज, तो एथिकल बिहेवियर टुवर्ड्स कंज्यूमर लिखना आपको, ओवर टाइम एंड मिनिमम वेजेस डबल वेजेस पे होता है, पावर्स ऑफ द बोर्ड लिख सकेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। फिर सेंस रिकॉर्ड सेक्शन नंबर डी केस स्टडी है, सेंस रिकॉर्ड जो सेंस रिकॉर्ड किया है, अगर बिल डिजोनर भी हो गया, बिल अगर डिजोनर भी हो जाए, जिसने सेंस रिकॉर्ड एंडोर्समेंट किया हम लोग उसको सीओ नहीं कर सकते, वो सीओ कर सकता है अपने प्रायर पार्टी को, वो सीओ हो नहीं सकता, ठीक है। तो उसी के ऊपर क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। सजेस्टेड आंसर मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, इंस्टीट्यूट ने जो लास्ट टर्म में एग्जाम लिया था उसका सजेस्टेड आंसर मैं आपको दिखाता हूँ, उसका सजेस्टेड आंसर मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, आ जाओ फटाफट आ जाओ दोस्तों, फटाफट आ जाइए, कहां जा रहे हैं, अभी तो शाम बाकी है, कम ऑन गाइस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, एब्सोल्युटली फास्ट। चलो आ जाओ, देखो द फ्रेज बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट एथिक्स, ये बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट एथिक्स, बिजनेस एथिक्स मतलब एप्लीकेशन ऑफ एथिकल इश्यूज टू बिजनेस एक्टिविटी, वी अप्लाई एथिक्स इन बिजनेस, उसी को बोलते हैं सर। इनका PDF शेयर कर देना, बिल्कुल टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा वीडियो खत्म होने के बाद। इंडिविजुअल शैल गिव हिज कंसेंट टू बिकम डेजिग्नेटेड पार्टनर फॉर्म नंबर 9 LLP में, एनुअल रिटर्न ऑफ OPC साइन बाय CS, और अगर CS नहीं है तो कोई भी एक तो डायरेक्टर साइन करेगा तो चल जाएगा OPC। वैल्यू चेन एनालिसिस किसका दिया हुआ है, माइकल पॉटर का दिया हुआ है। कहां पढ़े थे ये, एथिक्स में पढ़े थे। इन केस ऑफ सेल बाय ऑक्शन, अच्छा ऑक्शन सेल है, सेल में भी नोटिफाइड आप ऑक्शन सेल कर सकते हैं एक रिजर्व प्राइस के साथ, कि रिजर्व प्राइस के ऊपर ही बोली लगेगा उसके नीचे बोली नहीं लगेगा। इसमें से कौन सा केस है जब एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, एजेंसी में कंसिडरेशन का दरकार नहीं है, गिफ्ट में भी नहीं है, चैरिटेबल में नहीं है, सेल ऑफ प्रॉपर्टी में कंसिडरेशन है नहीं तो वॉइड होगा। प्राइवेट कंपनी में कोरम कितना चाहिए, 2। रजिस्टर ऑफिस शैल बी ओपन विद इन 30 डेज, अमेंडमेंट के पहले 15 डेज था, अमेंडमेंट के बाद 30 डेज है फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एवरी ऑक्यूपायर शैल इंश्योर हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ ऑल द वर्कर्स व्हाइल दे आर एट वर्क इन द
फैक्ट्री है, वो लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तभी ऑक्यूपायर की जिम्मेदारी है ना। न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड इनटू फर्म आइदर फॉर द इंक्रीज ऑफ कैपिटल और टू स्ट्रेंथन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। इंप्लॉय को बोनस कब मिलेगा? जब वो अकाउंटिंग ईयर में कितना दिन काम किया। फटाफट बता दो, फटाफट बता दो, फटाफट बता दो। 30 डेज, बिल्कुल सही, 30 वर्किंग डेज। इंप्लॉय को बोनस तभी मिलेगा जब वो 30 वर्किंग डेज काम किया। ऑल पेमेंट ऑफ विचेस शैल बी मेड ऑन अ वर्किंग डे, ऑब्वियस बात है। प्रॉक्सी कितना घंटे पहले जमा करते हो? सर 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग। देख रहे हो कितना सिंपल आता है यार। मिनिमम विजेस रिव्यू करना पड़ता है हर 5 साल में, सब पड़ा हुआ है यार। एनुअल जनरल मीटिंग आप शॉर्टर नोटिस पर बुला सकते हो। जनरल मीटिंग आप शॉर्टर नोटिस पर बुला सकते हो। अच्छा, जनरल मीटिंग बुला है, जनरल मीटिंग आप शॉर्टर नोटिस पर बुला सकते हो अगर कंसेंटर है फ्रॉम एटलीस्ट 95% ऑफ द मेंबर्स। प्रेजेंटेशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ बिल मे नॉट बी एक्सक्यूज इन द फॉलोइंग केसेस। ड्रॉयर नहीं मिला तो हम क्या करें? एक्सक्यूज। इनसॉल्वेंट है, फिक्टिशियस है, एक्सक्यूज। ड्रॉई एसईजेड में ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू मस्ट प्रेजेंट द बिल टू ड्रॉई इवन इफ इज एन। The office of director shall become vacant if he absents himself from all the meetings of the director during a period of 12 months. याद है ना? Vacation of director में अपने सीखे हैं। लगातार 12 महीना तक अगर वो नहीं आया, तो vacate the office. Section number 167. Endorsement मतलब क्या होता है? Sign on the back. पलटो और साइन करो upon the back. इसमें से कौन सा valid method नहीं है voting का? Electronic means show of hand poll है. Creating sound. हो ऐसा? क्या question है? Permanent disablement. Permanent disablement benefit is paid at the rate of 90% of the wages. ठीक है, फिर लास्ट टाइम तो सेक्शन बी में 20 क्वेश्चन आया था बेटा, ठीक है, अब आपके सेक्शन बी में केवल 10 क्वेश्चन आएगा, दो दो नंबर का। The particulars of issue of preference shareholder shall be noted in, preference shareholder हो या equity shareholder हो, आप उन लोगों का डिटेल कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? रजिस्टर ऑफ मेंबर में। मिनिमम वेजेस से कम दोगे तो इसको फोर्स लेबर बोलेंगे, फोर्स लेबर। सेवन प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ एथिक्स में पढ़े हो, कौन दिया था? लॉर्ड नोलान। सेवन प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ कौन दिया था भाई? लॉर्ड नोलान। सेवन प्रिंसिपल्स क्या था याद है ना? होली जाओ याद करने का तरीका। एथ से ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी, लीडरशिप, इंटीग्रिटी, सेल्फलेसनेस, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस। याद आया? ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी, लीडरशिप, इंटीग्रिटी, सेल्फलेसनेस, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस। सेवन प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ, होली जाओ। ये भी कल के लिए इंपॉर्टेंट। एनुअल रिटर्न अंडर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1 फरवरी, याद रखना है, बोनस एक्ट में एनुअल रिटर्न 1 फरवरी को जमा किया जाता है। पीएफ आरडीए में कौन जो है आपका रिकॉर्ड कीपिंग करता है? सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। डिसऑनर ऑफ इंस्ट्रूमेंट मे बी ड्यू टू नॉन पेमेंट और नॉन एक्सेप्टेंस, दोनों ही हो सकता है। डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट भी अपने सीख रखे हैं, डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस भी सीख रखे हैं। सेलर ऑफ द गुड इज ड्यूइंग टू बी डैश व्हेन द होल ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड इज नॉट पेड, अनपेड सेलर बोलते हैं उसको सेक्शन 45 में। ऑक्यूपायर ऑफ, मैं बहुत फास्ट जा रहा हूं बिकॉज़ ईच एंड एवरी सेकंड इज अ गोल्डस फॉर यू। Occupier of every factory shall provide and maintain suitable room for the use of children under the age of 6 years of women workers when the number of such women worker exceeds 30. याद है ना? Welfare measure है ये कि अगर 30 से ज्यादा worker होता है, याद है ना? Welfare measure है 30 से अगर ज्यादा worker होता है, 30 से अगर ज्यादा worker होता है, ठीक है, 30 से ज्यादा women worker है तो अगर उनके बच्चे हैं ना 6 साल के नीचे, तो उन लोगों के लिए crèches रखना पड़ेगा, खेलने मिलने का जगह बच्चों के लिए। Nominal partner can be of two type, partner by estoppel and partner by holding out. When Roy accepts the bill, subject to some qualification, Roy accept kiya condition laga karke, qualified acceptance. LLP incorporated outside India having a place of business in India, outside India having a place of business in India for an LLP. Proper foundation of ethics requires standard of value. Section 92, annual return file ka form number batao, MGT 7. और ओपीसी स्मॉल कंपनी के लिए एमजीटी 7 है, नॉर्मल कंपनी के लिए एमजीटी 7। शेयरहोल्डर जिसका नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर 20,000 रुपया तक है, 20,000 रुपया तक अगर उसका नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर है तो स्मॉल शेयरहोल्डर बोलते हैं। रिप्रेजेंटेशन गलती से अगर आपने मिस रिप्रेजेंटेशन कर दिया, इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। इंटेंशनल रहता तो फ्रॉड, अनइंटेंशनल तो मिस रिप्रेजेंटेशन। कंपनी उस प्रिंसिपल बिजनेस उसका मेन धंधा ही शेयर अक्वायर करना है तो उसको इन्वेस्टमेंट कंपनी बोलते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमिटी, ये सब याद रटा माने का है, 2 साल। मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमिटी ऑफ ईएसआई 2 साल तक उसका टर्म रहता है। नो प्रोस्पेक्टस शैल बी वैलिड इफ इट इज इशूड फॉर मोर देन 90 डेज आफ्टर इट हैज बीन सबमिटेड टू आरओसी। याद है ना, आरओसी को प्रोस्पेक्टस जब जमा करते हो तो 90 डेज के अंदर पब्लिक को देना पड़ता है, 90 डेज बाद होगे तो प्रोस्पेक्टस इनवैलिड। आरडी शैल कम्युनिकेट शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर ऑफिस विद इन 30 डेज ऑफ द एप्लीकेशन। What should be the maximum time gap between two AGM? Two AGM के बीच में maximum time gap 15 months from the last AGM. Done, sir. Done.
फिर सेक्शन सी और सेक्शन डी मैंने आपको करंट टर्म का एमटीपी का दिखाई दिया है, ठीक है? तो वैसे ही लिखना है, देख लो सजेस्टेड आंसर बॉडी में बेलमेंट सेक्शन, अगर याद नहीं हो तो कैसे लिखोगे? अकॉर्डिंग टू रेलिवेंट प्रोविजंस, बेलमेंट का अगर सेक्शन याद नहीं हो, सेक्शन 148 याद नहीं हो, तो अकॉर्डिंग टू द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन 32, अकॉर्डिंग टू द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन 32, इस तरीके से, ठीक है? देख लो कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन था, बेलमेंट क्या होता पूछा है। रेमेडीज अवेलेबल टू बायर, ले ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर सेलर कर दिया तो बायर सेलर को स्यू कर सकता है ना, फॉर बायर सेलर को स्यू कर सकता है कि भाई गुड्स बेच, डैमेजेस दे, इंटरेस्ट दे, प्राइस दे, डैमेजेस, प्राइस, इंटरेस्ट, नेगोशिएशन और असाइनमेंट का डिफरेंसेस ऑलरेडी अपने पढ़ रखे हैं बेटा, बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब एनआई एक्ट। पीएफआरडीए से क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन था, इंस्पेक्टर का पावर पक्का से कल कर जाना, ठीक है? लास्ट टाइम आ चुका है बट फिर भी इंस्पेक्टर का क्या पावर रहता है? फैक्ट्री के अंदर घुस सकता है, वो इंस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है? ही कैन एंटर द फैक्ट्री, ही कैन इंस्पेक्ट, ही कैन टेक सैंपल्स, आस्क फॉर इंफॉर्मेशन। अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी कैसे निकालते हैं? आराम से कर सकोगे, 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स राउंडेड ऑफ। बेनिफिट ऑफ ओपीसी मंथ से बना कर लिखना है, मतलब 11 12 का क्वेश्चन है। शेयर सर्टिफिकेट आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, लास्ट टाइम का बूस्टर मैंने बताया था और वही आया था, याद है? नहीं सर कैसे याद होगा, सीनियर्स को बताया था। इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स, सब इजी इजी क्वेश्चन है बेटा। रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस अंडर सेक्शन 8, मतलब चैरिटेबल कंपनी का लाइसेंस कब रिवोक होता है? हैजर्डस प्रोसेस फैक्ट्रीज एक्ट। टाइप्स ऑफ एथिक्स याद है, पहला क्वेश्चन मेटा नॉर्मेटिव एंड अप्लाइड, मेटा नॉर्मेटिव एंड अप्लाइड। इंडोर्समेंट के ऊपर शॉर्ट नोट आराम से लिख सकोगे। कोर्शन कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है। सेक्शन डी जैसा कि आपको पता केस स्टडी रहता है, ग्रेच्युटी एक्ट से केस स्टडी आया, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, जिनको लगता है ग्रेच्युटी एक्ट सिलेबस में नहीं है, मैराथन देख लो भाई, उसमें मैंने पढ़ा रखा। बहुत सारे लोग रहते हैं जंतर जंतर, क्या बोले, बच्चों को बोल देते हैं सिलेबस में सब कुछ है, सिलेबस। एक बार मैं आप लोग का चैट देख लेता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सभी कुछ इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट के लिए अगर तुम इंपॉर्टेंट पूछोगे तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूं भाई, एक तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर जो फ्रॉड है, फ्रॉड उसको पढ़ करके जाना, फैक्ट्री का डेफिनेशन पढ़ करके जाना, फैक्ट्रीज एक्ट में अपने पढ़ रखे हैं ना फैक्ट्री का डेफिनेशन, वो पढ़ करके जाना। फिर डॉक्यूमेंट्स अंडर पेंशन फंड रजिस्ट्रेशन पढ़ करके जाना, डॉक्यूमेंट्स अंडर पेंशन फंड रजिस्ट्रेशन पढ़ करके जाना, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स अंडर पेंशन फंड पढ़ करके जाना। फिर मतलब वही यार कि पेंशन फंड में जो है ना अपने को क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, अपना आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, वही सब लिख देना, ठीक है? और फिर इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फैक्ट्रीज एक्ट में मैंने बता रखा ना, वो पढ़ करके जाना।
मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, बेटा पढ़ करके जाना। वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी पकड़ पढ़, पक्का पढ़ करके जाना। वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ करके जाना, ठीक है। इमीडिएट एम्प्लॉयर का डेफिनेशन पढ़ करके जाना। इमीडिएट एम्प्लॉयर जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होता है ना, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एंड कॉन्ट्रैक्टर, जैसे कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉय लोग के लिए इमीडिएट एम्प्लॉयर कौन है? कॉन्ट्रैक्टर। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ करके जाना, वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी पढ़ करके जाना, व्हाट इज स्पेशल रेजोल्यूशन पढ़ करके जाना, व्हाट इज आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन पढ़ करके जाना, प्रोहिबिशन ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट पढ़ करके जाना। प्रोहिबिशन ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, प्रोहिबिशन ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट पढ़ करके जाना। सेक्शन 53 रे बाबा, डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ एडवांसेस अंडर वेजेस एक्ट, ठीक है, वो पढ़ करके जाना। रिकवरी ऑफ एडवांस बिल्कुल आप डिडक्ट कर सकते हैं वेजेस से, याद रखना। इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कब इनवैलिड हो जाता है वो पढ़ करके जाना बेटा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कब इनवैलिड हो जाता है ये पक्का से आप पढ़ करके जाएंगे भाई, कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कब इनवैलिड हो जाता है। व्हेन द गारंटी इज ऑब्टेन बाय फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, और व्हेन द अदर कोश्योरिटी वाज सपोज टू जॉइन डिड नॉट जॉइन, तो तब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इनवैलिड हो जाता है। राइट्स ऑफ द फाइंडर ऑफ द गुड्स, ये पढ़ करके जाना बेटा, राइट्स ऑफ द फाइंडर ऑफ द गुड्स। वैल्यू चेन पक्का से पढ़ करके जाना बेटा, कल आ रहा है वैल्यू चेन। फिर ड्यूटीज ऑफ मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, ये पढ़ करके जाना। ड्यूटीज ऑफ मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, ये पक्का से पढ़ करके जाना। रेम्यूनरेशन पेबल टू डायरेक्टर भी पढ़ करके जाना, ठीक है। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बताए हैं ये पक्का से पढ़ करके जाना। मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ये सब इंपॉर्टेंट है, गट फीलिंग है, और क्या है ना। समझ गए सर, समझ गए सर, भाई ये भाई वाला बात है, ये भाई वाला बात है। पढ़ करके तो सभी कुछ जाना बेटा, पढ़ करके तो सभी कुछ जाना, कुछ छोड़ करके नहीं जाना। तो मैं पढ़ करके तो सभी कुछ जाना, ये थोड़ा ज्यादा अच्छे से देख लेना। क्लियर, क्लियर है भाई। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बिट क्वेश्चन। अच्छा एक बार फिर से देख लो कि आपको क्या क्या रिसोर्सेस चाहिएगा प्रिपरेशन के लिए, जो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। इंडस्ट्रियल लॉ, कमर्शियल लॉ एंड एथिक्स का 65 मार्क्स का मैराथन बेटा। इंडस्ट्रियल लॉ, कमर्शियल लॉ एंड एथिक्स का 65 मार्क्स का मैराथन, 65 नंबर का मैराथन इंडस्ट्रियल लॉ, कमर्शियल लॉ एंड एथिक्स लास्ट वीक अपलोड किया गया था। पक्का से उसे चाड़ जाना बेटा, चाड़ जाना बेटा, पक्का से चाड़ जाना बेटा। कंपनी लॉ का मैराथन, हिमांशु तुम लेट ज्वाइन किए हो, ये सब के बारे में ऑलरेडी अपना चर्चा कर लिए थे वीडियो के साथ। कंपनी लॉ का मैराथन सेक्शन 1 से 122 डायरेक्टर्स दोनों मैराथन अपलोडेड है। एमडीपी का पार्ट 1 अपलोडेड है। एमडीपी पार्ट 2 मैंने अभी करवा दिया, लास्ट टर्म का सजेस्टेड था मैंने डिस्कस कर दिया। बिट क्वेश्चंस भी ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर रखे हैं, बट जिनका छूटा हुआ है बिट क्वेश्चन, और मेरे मैं तो क्या बोलूंगा, अगर किया हुआ भी है ना भाई 50 मिनट लगेगा, 200 एमसीक्यू सॉल्व करने वाले, और ये 200 एमसीक्यू जो अभी सॉल्व करवाएंगे यहीं से 40 मार्क्स का तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू मिलाकर के आएगा। तो अगर 50 मिनट खाली लग रहा है, 50 मिनट्स खुद से तो ऐसे भी पढ़ाई नहीं हो रहा तुमसे, 50 मिनट्स अगर तुम देते हो तुम्हारा 40 आउट ऑफ 40 है। लेकिन मैंने ऑलरेडी उसको रिकॉर्ड कर रखा है, अब मैं यहां से रिकॉर्डिंग चलाने जा रहा हूं, लेकिन तुम लाइव ही देखो। मैं यहां से रिकॉर्डिंग चलाने जा रहा हूं बट तुम लाइव देखो, ये 200 एमसीक्यू सर देखा हुआ है, फिर से देखो, भूल चुके हो गए, 40 नंबर का सवाल है भाई। 50 मिनट अगर तुम दे सकते हो, क्योंकि एक बार तो तुमको देखना ही पड़ेगा, तो क्यों ना अभी सब भाइयों बहनों के साथ देख लो। सो वॉच इट, इट विल सिक्योर योर 40 मार्क्स टुमारो। क्लियर ना, तो कहीं मत जाओ, 40 मार्क्स को सिक्योर करो 50 मिनट में। 200 एमसीक्यू अभी हम लोग ताबड़तोड़ स्पीड में सॉल्व कर रहे हैं, 30 सेकंड्स में स्टार्ट होगा।
स्टार्ट नाउ गाइस, फोकस एंड वॉच इट, 50 मिनट्स, 40 नंबर सिक्योर हो जाएगा। एक घंटा के अंदर 200 से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, क्या आप रेडी हैं? यस सर, हम रेडी हैं। चलो फिर स्टार्ट करें। द टर्म सब एजेंट, सब एजेंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी इज डिफाइंड एज अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय, पर्सन एम्प्लॉयड बाय होम, सब एजेंट कौन एम्प्लॉय करता है? एजेंट है ना, एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ एजेंट। तो जो एजेंट का एजेंट रहता है उसी को सब एजेंट बोलते हैं। नॉर्मली मैं आपको बता दूं, सब एजेंट का अपॉइंटमेंट लॉफुल है कि अनलॉफुल है? अनलॉफुल है। नॉर्मली सब एजेंट का अपॉइंटमेंट अनलॉफुल है। फर्स्ट एंडोर्समेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कैन बी मेड बाय, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यार। जो पहला एंडोर्समेंट होता है, बताओ यार पहले कौन करता है, फर्स्ट एंडोर्समेंट कौन करता है, बताओ भाई फटाफट बताओ। पेई, यस, मान लो चेक पेई को मिला वही तो एंडोर्स करेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज पेई को मिला वही तो एंडोर्स करेगा, बिल्कुल सही। पेई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अंडर वॉलंटरी डिसोल्यूशन, वॉलंटरी डिसोल्यूशन में इनमें से कौन सा नहीं है? डिसोल्यूशन में एग्रीमेंट वॉलंटरी डिसोल्यूशन है, हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसी भी, डिसोल्यूशन ऑन बिकमिंग पार्टनर अनसाउंड माइंड, ये तो कोर्ट में अप्लाई करना पड़ता है, व्हेन द पार्टनर बिकम्स अनसाउंड माइंड वी हैव टू अप्लाई टू द कोर्ट फॉर डिसोल्यूशन, ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। व्हाइट वॉश और कलर वॉश फैक्ट्री में हम लोग सीखे, फैक्ट्रीज एक्ट में सीखे, व्हाइट वॉश कलर वॉश आपको हर कितना महीना में करवाना पड़ता है? वंस इन अ पीरियड ऑफ 14 मंथ्स, ठीक है। ये इस प्रकार का एमसीक्यू जो है ना, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंस्टीट्यूट को कि ना दे, 14 मंथ्स हो। अब ये क्लेरिकल एमसीक्यू है, कोई कंसेप्चुअल एमसीक्यू दे जिसमें बच्चों को भी करके मजा आए, ठीक है। ये क्या क्लेरिकल एमसीक्यू है, ठीक है, बट इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, 14, ओके, क्लियर, यस सर, ऑसम सर, मक्खन है, बिल्कुल, आगे बढ़ रहे हैं। अब 50 एमसीक्यू के बाद ब्रेक लेंगे बेटा, 50 एमसीक्यू के बाद ब्रेक लेंगे बेटा, आ जाओ बेटा, आ जाओ फटाफट, आ जाओ बेटा। द टर्म फैमिली डिफाइंड इन ESI, फैमिली के अंदर डज नॉट इंक्लूड स्पाउस, तो हर फैमिली में आता है, माइनर अडॉप्टेड चाइल्ड, बच्चा तो आएगा ही, डॉटर है तो आएगी, इंडिपेंडेंट मैरिड सिस्टर, वो फैमिली के डेफिनेशन में नहीं आती, ये तो कॉमन सेंस लगा के कर सकते थे कि बच्चा, बेटा बेटी और स्पाउस तो आएगा ही, इंडिपेंडेंट मैरिड सिस्टर डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ फैमिली। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स टू सेफ्टी मेजर, सेफ्टी इसमें से कौन सा है, इसमें से सेफ्टी कौन सा है? आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, वेंटिलेशन, अरे यार ये सब जो है ये सेफ्टी नहीं है, ठीक है, ये तो हेल्थ वाला है, फर्स्ट एड वेलफेयर है, ये दो तो हेल्थ है और ये वाला वेलफेयर है, तो फेंसिंग ऑफ मशीनरी सेफ्टी है, यस। इफ अ कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील शेयर सर्टिफिकेट शैल बी साइंड बाय, फटाफट बता दो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बड़ा कंपनी लॉ का, फटाफट मेरे को बता दो कि भाई शेयर सर्टिफिकेट जो है कॉमन सील अगर नहीं है तो शेयर सर्टिफिकेट कितने डायरेक्टर साइन करेंगे? दो डायरेक्टर साइन करेंगे। ई वोटिंग नोटिस शैल बी सेंट एज एन अटैचमेंट, बताओ नोटिस पीडीएफ फाइल में जाता है? यस, पीडीएफ फाइल में जाता है। डायरेक्टर में भी इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर, सेक्शन नंबर 151 में हमने सीखा है, सेक्शन 151 में डायरेक्टर चैप्टर में, कि डायरेक्टर में भी इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर अपॉन नोटिस बाय एटलीस्ट 1000 स्मॉल शेयर होल्डर भी सही है, 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स भी सही है, ठीक है ना, 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर, तो ये ऑप्शन सही है, एटलीस्ट 1000 शेयर होल्डर या फिर एटलीस्ट 1000 शेयर होल्डर 1/10 ऑफ सच शेयर होल्डर व्हिच एवर इज लोअर, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बेटा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मेटाएथिक्स, भाई एथिक्स के क्लास में मेटाएथिक्स में बताया गया था, मेटाएथिक्स डील्स विद मॉरल जजमेंट, कॉपी खोल करके देखो दिखाई देगा, मेटाएथिक्स डील्स विद द नेचर ऑफ मॉरल जजमेंट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल भी हो सकता है, एंटीसिपेटरी भी हो सकता है, इधर ए और बी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, इसमें से एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल जो है वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है बिल्कुल, कौन सा फीचर नहीं है? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट तो है, एग्रीमेंट टू सेल एग्जिस्टिंग स्पेसिफिक गुड्स का भी हो सकता है बिल्कुल, सेलर कैन सू फॉर डैमेजेस इन ब्रीच बाय बायर, बताओ 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 बताओ, बिल्कुल सेलर कैन सू फॉर डैमेजेस ओनली इन केस ऑफ ब्रीच बाय बायर, ये भी सही है, जी हाँ जनाब ये भी सही है, इट गिव्स द राइट टू बायर, हाँ बायर के पास भी राइट है, सेलर बायर दोनों एक दूसरे को सू कर सकता है डैमेजेस के लिए। एक बार ऑप्शन नंबर बी देखो, सेल्स टेक्स प्लेस फॉर एग्जिस्टिंग एंड स्पेसिफिक गुड, एग्रीमेंट सेल तो फ्यूचर गुड्स का होता है ना बेटा, फ्यूचर गुड्स का, तो ये बात इन्होंने गलत कर दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ड्राफ्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ड्राफ्ट, इट कैन नॉट बी ड्रॉन, अरे डिमांड ड्राफ्ट रे बाबा, इट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन प्राइवेट इंडिविजुअल, इट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन प्राइवेट इंडिविजुअल, सही है ये तो बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, एक ब्रांच ऑफ बैंक दूसरा ब्रांच को विड्रॉ करता है, कैन नॉट बी काउंटरमैंडेड इजीली, ये भी सही है, इट इज ओपन टू द पर्सन टू स्टॉप पेमेंट,
ये दोनों सही है, स्टॉप पेमेंट बैंक ड्राफ्ट का नहीं होता। हु मे नेगोशिएट, फटाफट बताओ भाई हु मे नेगोशिएट, इसमें से नेगोशिएट कौन कौन कर सकता है? ड्रॉयर बिल्कुल नेगोशिएट कर सकता है, पेई बिल्कुल, जॉइंट मेकर बिल्कुल, तो ऑल ऑफ द अबव यानी ए टू सी। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम शैल बी डीम टू बी क्या बताओ? इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या माना जाएगा, डीम टू बी क्या माना जाएगा? प्रोस्पेक्टस, शैल प्रोस्पेक्टस में पढ़े ना आपने। रीजनल डायरेक्टर शैल कम्युनिकेट, आरडी शैल कम्युनिकेट द कंफर्मेशन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ रेशियो ऑफिस। बताओ रीजनल डायरेक्टर जो है ना कितना दिन के अंदर हम लोग को कंफर्म कर देता है कि तुम्हारा रेशियो ऑफिस शिफ्ट होगा कि नहीं होगा, कितना दिन के अंदर? फटाफट मेरे को बताओ फटाफट। 30 days इज एब्सोल्यूटली करेक्ट। प्राइवेट प्लेसमेंट कितना जन को हम लोग मैक्सिमम कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में? 200 जन को। प्राइवेट प्लेसमेंट हम लोग एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम कितना जन को कर सकते हैं बेटा? 200 जन को, मैक्सिमम 200, ऑप्शन नंबर सी। इफ द शेयर होल्डर नॉट लेस देन 10% ऑफ द इशूड शेयर डिड नॉट कंसेंट, 10%, ठीक है ना? वेरिएशन के खिलाफ आप लोग अपील कर सकते हैं एनसीएलडी में, अगर आपके पास 10% ऑफ द इशूड शेयर्स है, 10% ऑफ द इशूड शेयर, यू कैन अपील अगेंस्ट द वेरिएशन। किसको पास? एनसीएलडी के पास, सेक्शन नंबर 48 में सीखा आपने। कंपनी शैल नॉट इशू स्वॉट इक्विटी शेयर्स फॉर मोर देन डैश ऑफ द एग्जिस्टिंग पेड अप शेयर कैपिटल इन अ ईयर। बताओ कंपनी मैक्सिमम कितना स्वॉट इक्विटी शेयर इशू कर सकता है? ये ऑलरेडी हम लोग स्वॉट इक्विटी शेयर का सेक्शन नंबर 54 रेड विद द रूल्स में पढ़ रहे हैं। मैक्सिमम कितना परसेंट इशू कर सकता है इन अ फाइनेंशियल ईयर, इन अ ईयर 15% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। Which one of the following is not the discharge by operation of law? Operation of law, अरे contract act में पढ़े हो, merger, insolvency, unauthorized alteration, बिल्कुल ये सब discharge होता है contract by operation of law. Breach of contract is not a discharge by operation of law. वो तो discharge by breach में आ जाता है. Which of the following is not a feature of the contract of guarantee? Contract of guarantee में बेटा दो पार्टी रहता है, बताओ बताओ बताओ, contract of guarantee में क्या दो पार्टी रहता है? कम से कम दो पार्टी रहता है, yes. Liability of surety secondary है, yes. Principal debtor का liability primary है, surety का liability secondary. There is an existing debt for which surety gives guarantee to the creditor on behalf of the principal debtor. क्या एक existing debt रहता है जिसके लिए surety guarantee देता है? फटाफट बताओ जरा, फटाफट बताओ. The surety gives contract at the request of principal debtor. PD request के तभी तो हम दे रहे हैं. Existing debt for which surety gives guarantee to the creditor, existing debtor जिसके लिए surety guarantee देता है creditor on behalf of principal debtor. मेरे को consideration में कुछ नहीं मिल रहा है, मैं guarantee दूंगा तब जा करके वो debt देगा, पहले से debt दे रखा है तो नहीं, ये contract का guarantee का feature नहीं। Section 2, clause number 7 of the SOGA, term goods does not include, बताओ goods does not include stocks and share but include growing crops, grass, है ना? तो stocks and share. No female child, हजार बार ये factories act में पढ़ा रखे हैं। MTP, अच्छा बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि हमने एमडीपी सॉल्व करा है, ऐसे बच्चे मार्स में रहते हैं, अचानक अचानक उन लोग अर्थ के ऊपर ट्रिप देने आते हैं। हाँ तो हम बोल रहे थे एमटीपी के बारे में, भाई एमटीपी हो रखा है, ठीक है, मिशन हो रखा है, मैराथन हो रखा है, अगर तुम्हें नहीं पता है प्लेलिस्ट रेफर करो, सारे सब्जेक्ट का एमटीपी हो रखा है ना? बिल्कुल सर बिल्कुल। अरे बच्चे आगे चले गए, 24 में चले गए, क्या बात है क्या बात है। चलो पहले इसको देखते हैं। नो फीमेल चाइल्ड शैल बी अलाउड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री एक्सेप्ट बिटवीन, बताओ फीमेल चाइल्ड को हम लोग फैक्ट्री में अलाउ नहीं करने देते, वर्क करना अलाउ नहीं करते हैं, सिर्फ वो सुबह 8 से शाम को 7 बजे तक काम कर सकते हैं, 8 AM to 7 PM, उसके अलावा नहीं। सो एक्सेप्ट बिटवीन 8 AM to 7। बोनस शेयर कहां से दे सकते हैं? फ्रीज अवे, सिक्योरिटी प्रीमियम, सीआरआर, एनी ऑफ द अबव से दे सकते हैं। प्रॉक्सी आप कितना घंटा पहले आप जमा करते हैं बताओ? प्रॉक्सी फॉर्म कितना घंटा पहले जमा करते हैं? 48 आवर्स पहले जमा करते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर, एलएलपी में कम से कम दो डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए। At every AGM, not less than dash number of total directors shall retire. कितना director retire होगा? बताओ। 2/3 rotational रहता है और उसका 1/3 retire हो जाता है। तो 1/3 minimum director. Public company में minimum director कितना रहता है? Private company में minimum 2 रहता है। Public company में minimum 3 director रहता है।
दिस इज नॉट वन ऑफ द सेवन प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ. याद है ना, होलीज आओ, अपने सेवन प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ में क्या बात किए थे? होलीज आओ एक्रोनिम है रे बाबा, एक्रोनिम. ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी, लीडरशिप, इंटीग्रिटी. याद आया ना? यस सर, याद आ गया सर. ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी. तो इसमें से कंटेंट बोल करके कुछ भी नहीं, सेल्फलेसनेस. क्या क्या बताओ? ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी, लीडरशिप, इंटीग्रिटी, सेल्फलेसनेस, अकाउंटेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी. कंटेंट बोल करके कुछ भी नहीं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनविटेशन फॉर ऑफर? इसमें से कौन सा इनविटेशन फॉर ऑफर है? बताओ भाई, फटाफट बताओ, इसमें से कौन सा इनविटेशन फॉर ऑफर है? आप जो कैटलॉग दिखा रहे हैं, कैटलॉग प्राइस लिस्ट फॉर द गुड ऑफ सेल, वो इनविटेशन ऑफर है. सेलर डिलीवर्स टू द बायर क्वांटिटी ऑफ गुड लेस देन द कॉन्ट्रैक्टर टू सेल, तो बायर उसको रिजेक्ट कर सकता है. जी हाँ, बायर उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर सकता है. जितना मैंने ऑर्डर किया तुमने उससे लेस क्वांटिटी सप्लाई किया, तो बायर में रिजेक्ट है. पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल, उसको हम लोग ऑक्यूपायर बोलते हैं. जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री, ही इज नोन एज ऑक्यूपायर. उसी को तो हम लोग ऑक्यूपायर बोलते हैं दोस्तों. बेयरर इंस्ट्रूमेंट इज नेगोशिएटेड बाय डिलीवरी ओनली. बेयरर इंस्ट्रूमेंट खाली डिलीवरी से ही नेगोशिएट हो जाता है. ठीक है, बेयरर इंस्ट्रूमेंट बेटा जो खाली डिलीवरी से ही नेगोशिएट हो जाता है. एक्स वाई जेड आर द पार्टनर्स. ठीक है, तीन पार्टनर है. एक्स विदाउट द अथॉरिटी ऑफ वाई एंड जेड बाय सर्टेन शेयर्स इन द नेम्स आउट ऑफ द पार्टनरशिप मनी. These shares will constitute किसका property? Partnership का property है रे बाबा, ये partnership का property है. Business ethics call for avoidance of, यार थोड़ा सा बुद्धि लगाओ. Business ethics में call for avoidance of monopoly. Business ethics जो है ना, हमेशा monopoly को avoid करना चाहता है. Business ethics का क्या application है बताओ? Practical application है ना. Business ethics is applied ethics, practical application. Universal भी बोल सकते हो, दोनों ही सही है. ज्यादा सही practical है, तुम यूनिवर्सल भी बोल सकते हो. ठीक है, इंस्टीट्यूट का मैट में यूनिवर्सल लिखा हुआ है, अपने कॉपी में भी अपने यूनिवर्सली मार्क किया, तो यूनिवर्सली बोलो. कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, बताओ भाई, कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अग्रीमेंट एंड लीगल इन्फोर्सिबिलिटी. 37 का सी. प्रॉपर फाउंडेशन ऑफ एथिक्स रिक्वायर्स स्टैंडर्ड ऑफ डैश टू व्हिच ऑल गुड्स एंड एक्शंस कैन बी कंपेयर्ड टू. बताओ, प्रॉपर फाउंडेशन ऑफ एथिक्स रिक्वायर्स स्टैंडर्ड ऑफ क्या? स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? फटाफट बताओ दो, स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू. प्रोविजन रिगार्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन पार्टनरशिप, बताया हुआ तुमको सेक्शन 464 में, ये बात लिखा हुआ है. मैक्सिमम पार्टनर्स कितना होगा, ये कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 464 में. एक्स एंड वाई एग्री टू डिवाइड द प्रॉफिट इन इक्वल शेयर बट द लॉसेस इज टू बी बॉर्न बाय एक्स ओनली. हाँ, ये चलेगा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट लॉफुल है. प्रॉफिट बांटना जरूरी है, लॉस जो है बांटना जरूरी नहीं है. ठीक है. बताओ, फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह तुम ऐसा रखो कि सारा वर्कर्स जो है उसको एक्सेस कर सके. कम से कम कितना वर्कर्स लोग उसको एक्सेस कर सके, अपने वेलफेयर में सीखें. वेलफेयर में 150 फर्स्ट एड वाला अपने वेलफेयर में सीखे. 150 क्लियर है ना बेटा? बहुत अच्छे से क्लियर है सर. अच्छा, वेज पीरियड मैक्सिमम कितना महीना करेगा? क्वेश्चन में 42 बोल रहा है कि वेज पीरियड ऑफ 36 डेज. ऐसे तो तुम बोलोगे हम वेजेस 36 डेज में, क्या हम एक साल में देंगे एक बार वेजेस? नहीं, नो वेज पीरियड शुड एक्सीड वन मंथ. आपको ये बताया हुआ है, नो वेज पीरियड शैल एक्सीड वन मंथ. ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही. अच्छा क्वेश्चन था ये, वेजेस एक्ट में पढ़ाया हुआ है, नो वेज पीरियड शैल एक्सीड वन मंथ. अगर बिल ऑफ एक्सचेंज का मैच्योरिटी डेट पब्लिक हॉलिडे में पड़ रहा है तो प्रीसीडिंग डे ले लेंगे अपने. प्रीसीडिंग डे, ठीक है. जो 15 साल का भी नहीं हुआ, बोनस का क्वेश्चन है, जो 15 साल का भी नहीं हुआ उसका मिनिमम बोनस कितना रहेगा? 8.50% ऑफ सैलरी और 60, 100 के लिए का 60, व्हिच एवर इज हायर. तो ये रहा 60 और 8.50% ऑफ सैलरी, व्हिच एवर इज. एवरी एलएलपी फर्म शैल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर, ऑलरेडी बात हो रखा है. K owns a residential flat in Chennai. He is entitled to quiet possession and enjoyment. ठीक है ना? तो भाई ये उसका personal right है. ठीक है ना? ये उसका क्या बताओ? Personal right. ये उसका right है. और कोई उसे ये right छीन नहीं सकता. इसको rights in REM बोलते हैं. Just in REM भी बोलते हैं. Sales of goods act में सीखे. X sells a goodwill for 5 lakh and promises not to carry on the same business for ever anywhere in India. कभी भी हम लोग ये धंधा नहीं करेंगे. Absolute rescind हो गया. हम गुडविल बेचें तो बोल सकते हैं कि 5 साल 10 साल धंधा नहीं करेंगे, कभी भी कहीं पर भी इंडिया में धंधा नहीं करेंगे. ये एग्रीमेंट एब्सोल्यूट रेसेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलते हैं अवॉइड. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कितना कॉन्ट्रैक्ट होता है बताओ? 3 कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट हम तभी एक्सरसाइज कर सकते हैं जब बायर क्या हो चुका है? इंसॉल्वेंट. बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट. नेमो डेट कॉर नॉन अवेट. नेमो डेट कॉर नॉन अवेट मतलब क्या होता है बताओ? नोबडी कैन ट्रांसफर द टाइटल, नन कैन गिव हु हिमसेल्फ डज नॉट पोजेस. क्लियर है ना? देखते ही देखते बेटा 50 क्वेश्चन तुमने ठोक डाला है. कैसा फीलिंग लग रहा है बताओ यार, बताओ फटाफट बताओ.
और जो बच्चों ने अभी तक बिना लाइक बटन दबाए यहां तक पहुंच गया है, इतना सेल्फिशनेस अच्छा नहीं है, है ना? हो सकता है तुम लाइक बटन दबाना भूल चुके हो, लाइक बटन दबा दो, कुछ नहीं, इससे मेरा भला नहीं होगा, तुम्हारा ही भला होगा, पॉजिटिविटी आता है, और कुछ नहीं, तुम्हारे भलाई के लिए मैं बोलता हूं, मुझे क्या फर्क पड़ना है बेटा, तुम लाइक करो नहीं करो, मैं सब मोहमाया से ऊपर हूं। बड़े 50 क्वेश्चन हो चुका बेटा, आगे बढ़े, अब ब्रेक लेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के बाद, सेंचुरी मारने के बाद। सेक्शन 2 क्लॉज एन, ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री मींस द पर्सन हु हैज द अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री, पर्सन हु हैज द अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री। फैक्ट्री ने 250 वर्कर को रखा है, ऑल द वर्कर्स इंक्लूडिंग वर्कर्स अबव 60 इयर्स ऑफ एज एंड बिलो 15 इयर्स ऑफ एज वेंट ऑन स्ट्राइक। सारे के सारे वर्कर्स क्या है ना, स्ट्राइक पर चले गए, ठीक है। मैं आपको बता दूं, जो 15 साल के नीचे होते हैं ना, उनका आप वेजेस काट नहीं सकते, cannot deduct fine from workers who are under the age of 15। याद करना है ये भाई, याद कर लेना बेटा, ये सब कुछ ये पुराना सिलेबस का, ये हट चुका है अब, ठीक है। परमानेंट डिसेबलमेंट बेनिफिट जो है वो कितना दिया जाता है, ये हट चुका है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, फिर भी इंस्टीट्यूट दे रखा है, तो इसको इग्नोर करो। वर्कर्स विल बी एंटाइटल टू ओवरटाइम वेजेस, बताओ ओवरटाइम वेजेस कब मिलता है, जब वो 48 आवर्स से ज्यादा काम करता है इन अ वीक, मोर देन 48 आवर्स इन अ वीक, ठीक है ना। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रिव्यूज द रेट्स ऑफ मिनिमम वेजेस, हर 5 साल में ये पढ़ रहे हैं अपने वेजेस एक्ट में, हर 5 साल में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस को रिव्यू करता है। आंचल परचेज अ मोटर कार फ्रॉम कमल, आंचल ने मोटर कार किसे खरीदा, कमल से, हुए नो टाइटल टू इट, आंचल यूज अ मोटर कार फॉर सेवरल मंथ, ट्रू ओनर स्पॉटेड द मोटर कार एंड डिमांडेड इट फ्रॉम आंचल, तो उसको देना ही पड़ेगा मोटर कार, बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल, आंचल इज बाउंड टू हैंड ओवर द मोटर कार टू ट्रू। अच्छा, इसमें वेजरिंग अग्रीमेंट जो है कौन सा है, वेजरिंग अग्रीमेंट बता दो भाई कौन सा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस बिल्कुल नहीं, क्रॉसवर्ड कंपटीशन बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्किल नॉलेज इसमें लग रहा है। ए प्रोमिसेस टू बी, अगर बारिश होगा मंडे को, तो ये वेजरिंग है ना, बारिश होगा कि नहीं होगा उसके ऊपर तुम सट्टा लगाया। सेल ऑफ गुड्स में डिलीवरी ऑफ गुड, अगर डिलीवरी बाय अटोनमेंट हो रहा है, ठीक है, डिलीवरी बाय अटोनमेंट हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी बोलते हैं। वेयर हाउस का एग्जांपल मैंने दिया था, डिलीवरी बाय अटोनमेंट मतलब मेरा जो वेयर हाउस कीपर था, आज से मैं बोला कि वेयर हाउस कीपर अब से ना, ये जो बायर है ना, तुम इसका वेयर हाउस कीपर बन, तो ये कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी। वेयर द प्राइस ऑफ द गुड्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज टू बी फिक्स्ड बाय द वैल्यूएशन ऑफ द थर्ड पार्टी हु फेल्स टू फिक्स द वैल्यूएशन, सुनो, वैल्यूअर को गुड्स का प्राइस फिक्स करना था, ठीक है, वैल्यूअर को गुड्स का जो है बेटा वो प्राइस फिक्स करना था, समझे ना, वैल्यूअर प्राइस फिक्स नहीं किया, तो रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा, बायर शैल बी लायबल टू पे रीजनेबल प्राइस, बड़ा सिंपल है, इसमें कोई जान नहीं था मेरी जान। अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1940 वेयर द वर्क ऑफ द सेम काइंड इज कैरिड आउट बाय टू और मोर सेट ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड, थोड़ा सा बुद्धि लगा भाई, शिफ्ट बोलते हैं ना इसको, सेम वर्क दो सेट ऑफ वर्कर कर रहा है, एक सुबह कर रहे एक शाम को कर रहे, तो इसको शिफ्ट बोलते हैं अपने, ठीक है, व्हाट डू वी कॉल इट, शिफ्ट, ठीक है ना। यस सर, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल नॉट बी मोर देन 75% ऑफ वेजेस, याद करने का है, रटा मारने का है। अंडर ईएसआई इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर सिकनेस बेनिफिट, बताओ बताओ ईएसआई एक्ट में सिकनेस बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इन शॉर्ट वर्कर इज रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट फॉर 78 डेज इन अ कंट्रीब्यूशन पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, अपने ये ऑलरेडी सीख रखे हैं कहां पर, ईएसआई। ये अला बताओ, अंकित परचेज गुड्स 20,000 फ्रॉम अनुज इन लियो ऑफ कैश पेमेंट, अंकित एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज 20,000 का टू बी पेबल आफ्टर 3 मंथ्स, तो यार ये तो जेन्युइन बिल है ना, जेन्युइन बिल है ना, 20,000 का माल खरीदा इसलिए बिल एक्सेप्ट किया, तो ये तो भाई एकदम जेन्युइन बिल है। ठीक है बेटा, क्लियर है। अंडर एनआई एक्ट 1881 whether acceptance of BO in the following situation shall be treated as qualified acceptance, where the acceptor 100 extra rupees only 10,000, ha qualified acceptance hai ye, bol rahe hum khali 10,000 denge for a bill drawn for 15,000, to condition laga diya na, partnership form is continued even after the expiry of the fixed term, fixed term ke baad bhi partnership form continue ho raha hai, to ye partnership it will mana jata hai, but person who is not a partner of the firm but he may be liable for firm's debt, partner nahi hai fir bhi firm ka debt ke liye liable rahega, usko apne kya bolte hain, nominal partner bolte hain।
वी कॉल हिम नॉमिनल पार्टनर, नाम का पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर. अंडर द क्या बोला, देखो अंडर द कंपनीज रजिस्ट्रेशन, ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है बेटा, फिर भी इंस्टीट्यूट ने जबरदस्ती दे दिया तो इसको इग्नोर करना. बिजनेस एथिक्स क्या बोल रहा भाई, बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एथिक्स के बारे में क्वेश्चन है कि बिजनेसमैन वुड नॉट चीट देम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट फॉर इट. बिजनेस एथिक्स आर नीडेड टू क्रिएट अ फेथ अबाउट क्वालिटी क्वांटिटी प्राइस एटसेट्रा ऑफ द प्रोडक्ट्स. बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल. द कस्टमर्स हैव मोर ट्रस्ट एंड फेथ इन बिजनेसमैन हु फॉलो एथिकल रूल्स. बिल्कुल. तो इसमें से कौन सा एप्रोप्रिएट है, सेफगार्डिंग कस्टमर्स राइट, इंप्रूव कस्टमर्स कॉन्फिडेंस, कि सर्वाइवल ऑफ बिजनेस, कंज्यूमर मूवमेंट. फटाफट बताओ आप यहां पर देखो क्या बोला, कंज्यूमर के कंज्यूमर आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, ट्रस्ट कर रहा है मतलब ट्रस्ट मतलब कॉन्फिडेंस है, तो बी बड़ा सिंपल था. प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ, होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस शुड नॉट प्लेस देमसेल्व्स अंडर एनी फाइनेंशियल और अदर ऑब्लिगेशन. ठीक है ना, इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, जो पब्लिक ऑफिस के होल्डर है उन लोग अपने आप को इन्फ्लुएंस ना होने दे, हिंदी में बोले तो घूस नहीं खाए, मतलब अपना क्या मेंटेन करे बताओ, इंटीग्रिटी मेंटेन करे. घूस नहीं खाना मतलब इंटीग्रिटी मेंटेन कर भाई. ठीक है, देर आर मेनी टाइप्स ऑफ एथिकल कॉन्फ्लिक्ट्स. जहां काम करोगे यार, वर्कप्लेस, वर्कप्लेस में बहुत सारे एथिकल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, एथिकल डिलेमा बोलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेड टू बी अनएथिकल बिहेवियर, एडल्ट्रेशन, मिलावट अनएथिकल है गुड्स में मिलावट. अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स जस्ट इन पर्सोनम, कॉन्ट्रैक्ट प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इट्स अ प्राइवेट अफेयर बिटवीन टू ऑफ अस, तो जस्ट इन पर्सोनम. प्रोविजन ऑफ ईपीएफ एंड मिसलेनियस और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 एप्लीकेबल टू सिनेमा थिएटर एम्प्लॉइंग, बताओ भाई बताओ, 20 और मोर पर्सन. ठीक है, 20 पीएफ एक्ट कब एप्लीकेबल होता है, जब 20 या 20 से ज्यादा लोग हो. इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट पार्टनर हैज, जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं रहता है तो भाई पार्टनर हैज बताओ, उसको इंटरेस्ट ऑन लोन्स मिलेगा ना, राइट टू अवेल इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, यस राइट टू अवेल इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस. पर्सन हु इज एम्प्लॉयड बाय द सेलर टू रेज द प्राइस बाय फिक्टिशियस बिड्स, ओ फिक्टिशियस बिड्स करने के लिए रखा है, तो ऐसे इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं, पफर, बीडर, डेकॉय डक्स, ऑल ऑफ द अबव बोलते हैं, पफर और बीडर और डेकॉय डक्स. ठीक है, फ्रेंच नाम है, ऑल ऑफ द अबव. अच्छा क्वेश्चन था, इन केस ऑफ बैंकर्स रिफ्यूजल टू ऑनर द चेक इन स्पाइट ऑफ सफिशिएंट फंड कस्टमर्स अकाउंट, द बैंकर इज लायबल कि नॉट लायबल. अरे भाई बैंक जो है ना, सफिशिएंट फंड था फिर भी डिसऑनर कर दिया, तो बैंकर इज लायबल टू कंपेंसेट टू द ड्रॉयर. बिल्कुल लायबल. डिपेंडेंट का जो बेनिफिट्स मिलता है, ये हम लोग ईएसआई में सीख रखे हैं भाई, डिपेंडेंट का बेनिफिट बता दो भाई, कितना परसेंट देता है, 90% देता है, 90%. लिस्टेड कंपनी, बीओडी ऑफ एवरी लिस्टेड कंपनी शैल कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमिटी. अच्छा, ऑडिट कमिटी में मिनिमम कितने डायरेक्टर बैठते हैं, 3 डायरेक्टर, सेक्शन 177 में पढ़ रखा. ठीक है, मिनिमम बोनस बताओ भाई, मिनिमम बोनस कितना रहता है, फिक्स बाय वे ऑफ परसेंटेज ऑफ सैलरी अर्न्ड बाय एम्प्लॉय ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, द परसेंटेज इज बताओ. अच्छा मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम बोनस का रेट क्या है, 20% है. बिजनेस एथिक्स ऑल्सो कॉल्ड एज कॉर्पोरेट एथिक्स इज अ फॉर्म ऑफ, बताओ भाई बिजनेस एथिक्स, हम लोग अप्लाइड एथिक्स भी बोलते हैं, अप्लाई कर रहे हैं ना, तो अप्लाइड एथिक्स. एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी, वॉइडेबल, 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 वॉइडेबल बेटा. विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज इरिवोकेबल, इसमें से कौन सा एजेंसी इरिवोकेबल है बताओ, एजेंसी फॉर अ सिंगल ट्रांजेक्शन की एजेंसी कपल विद इंटरेस्ट, एजेंसी कपल विद इंटरेस्ट, एजेंट का अगर इंटरेस्ट भी है तो वो इरिवोकेबल हो जाता है. सॉर्ट ऑफ टैसिट अंडरस्टैंडिंग अमंग द इंटेंडेड बिडर, ताकि बिडिंग नहीं करे उन लोग, तो ये तो गलत है भाई, गलत है. तो हम लोग क्या बोलते हैं, नॉकआउट एग्रीमेंट बोलते हैं, नॉकआउट इंपॉर्टेंट नहीं होता. वेर एन इंस्ट्रूमेंट इज ड्रॉन कंडीशनली, कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्क्रो है ना. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्लियर. विच कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई द ऑक्यूपायर टू प्रमोट कॉपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट इन मेंटेनिंग प्रॉपर सेफ्टी, सेफ्टी मेंटेन करने के लिए कौन सा कमिटी बनाओगे, सेफ्टी कमिटी. कोई क्वेश्चन है, इसको देख करके डर जाओगे, हाथ पांव ठंडा हो जाएगा तो दिक्कत है, क्वेश्चन में आंसर लिखा हुआ है. सेफ्टी मेंटेन करने के लिए कौन सा कमिटी बनाएंगे, सेफ्टी कमिटी. डिस्प्यूटेड केस का ड्यू डेट बताओ बोनस पे करने का, वन मंथ फ्रॉम अवार्ड, विद इन वन मंथ फ्रॉम अवार्ड. बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट टेक इनिशिएटिव टू फॉर्म न्यू कंपनी, देयर मेन फंक्शन इज टू मैनेज द कंपनी आफ्टर इट्स प्रमोशन. बिल्कुल. तो इन लोग को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, प्रोफेशनल प्रमोटर्स बोलते हैं. जिन लोग नए कंपनीज को बना रहे हैं उन लोग को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, दे टेक इनिशिएटिव टू फॉर्म न्यू कंपनीज, देयर मेन फंक्शन इज टू मैनेज द कंपनी आफ्टर द प्रमोशन, दे आर नोन एज बताओ क्या, प्रमोटर्स, खाली प्रमोटर्स, जनरल प्रमोटर्स.
study of ethics can be divided into four operational area: meta ethics, normative ethics, descriptive ethics, and applied ethics. Applied ethics. In social agreement, usual presumption is social agreement where there is no intention to create legal relationship. There is no intention to create legal relationship. The parties do not intend to create legal relationship between them. Doctrine of caveat emptor will not apply when there is a usage of trade. Batao, bilkul. Doctrine of caveat emptor will not apply when there is a usage of trade. Bilkul. Ki consent by fraud, ki buyer's error of judgment, ki merchantable. Caveat emptor kya bolta hai? Let the buyer beware. But uska exception hai. Isme se condition kaun sa hai? Batao. Merchantable quality. Implied condition, he to exception hai caveat emptor ka. Toga mein pad rakhe ho. Bill of exchange that is drawn, accepted, endorsed without consideration. Without consideration, accommodation bill bolte hai beta. Bas break lenge 10 thor, 8 thor rather. come on. Under industrial dispute act. Syllabus se hat chuka hai, purana question hai. ESI 1948 is applicable to. Bada simple sa question hai yaar. Patafat bata do, ESI jo hai, kis kis act ke upar applicable hai. Bata do. Factories including factories belonging to government and seasonal factories. Now, excluding seasonal factories. Option number D. Excluding seasonal. ESI is not applicable on seasonal factories. So option number D is correct. Okay. Partner must give a public notice of retirement. Partner ko public notice dena padta apne retirement ka. In order to absolve himself from the liability. So jab partner public notice de raha of retirement. In order to absolve himself from the liability for the acts of the other partners. Done after his retirement, partner must give a public notice. Hai na, partner ko public notice dena padta hai. Kaun sa partner ko public notice dena padta hai? Active partner dhoond lo. Ostensible partner ka hi dusra naam active partner rehta hai. Kya ghumaya question? Jabardast. Prospectus which does not, arre jisme complete price of security nahi bataya gaya hai. Incomplete prospectus hai. To red herring prospectus usko bolte. Crucial step in understanding business ethics is learning to recognize ethical issues. Business ethics matlab learning to recognize ethical issues. Kya karan hai log unethical ho jate hain? Log unethical ho jate hain beta, iska karan kya batao? Log unethical ho jate hain, karan kya? Corruption. Bada simple tha yaar, ye to corruption. Party who does not suffer any loss in case of breach of contract is entitled to shagun ka nominal damage. Jisko koi nuksan hua usko nominal damage milega. Agar contract illegal hai to whole contract kya ho jayega? Void ho jayega. Illegal contract is the whole contract void ho jayega beta. इसमें से कौन सा केस क्वांटम मेरिट का है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस क्लेम ऑफ क्वांटम मेरिट अराइजेस. कब क्वांटम मेरिट अराइज होता है? एज मच एज अर्न मिलता है. व्हेन देयर इज नो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्कवर्ड टू बी वैलिड नहीं, व्हेन समथिंग हैज बीन डन नॉन ग्रेचुएशियसली, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल. फटाफट मेरे को बता दो क्वांटम मेरिट कब अराइज होता है? एज मच एज अर्न, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल. व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल. ओके करेक्ट सर, मजा आ गया सर. हाँ जी, यामिनी सिंह बोल रही है सर मुझे स्किल एनहांसमेंट कोर्स करना है लेकिन कोई कॉल नहीं पिकअप कर रहा है. बेटा ऑफिस आवर जो रहता है ना बेटा, वो 10 AM टू 6 PM रहता है और कोई कॉल क्यों पिकअप करे? आप आराम से जो है वेबसाइट पर जाओ और स्किल एनहांसमेंट कोर्स अपने www.mepl classes.com पर जाकर के बुक कर लो. कॉल पर ऐसा कुछ खास तो बताया नहीं जाएगा, सब कुछ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है और 24 घंटा के अंदर प्रोडक्ट एक्टिवेट हो जाता है. निकिता बोल रही है सर आपके एनिमेटेड कंपनी लॉ के वीडियोस बहुत यूजफुल है सर, व्हेन आई एम ट्रैवलिंग आई वॉच देम. थैंक यू सो मच डियर, लव यू गाइस. सॉर्ट हो गया भाई, सॉर्ट हो गया. 100 क्वेश्चंस डन एंड डस्टेड. कैसा लग रहा है बताओ फटाफट? 100 MCQs सॉल्व करने के बाद कैसा लग रहा है? 100 में से 90 MCQs तो तुमको आराम से आता था, 10 तो थोड़ा सा ट्रिकी रहा होगा, बट 90% MCQs यू ऑलरेडी न्यू है ना. ये तो कमाल है भाई. जिन्होंने रेगुलर बैच पढ़ा है ना, CMA इंटर का मेरा लॉ का रेगुलर बैच में पता है अप्रोक्सीमेटली 125 क्लास है. तुम समझ रहे हो क्या कंटेंट, किस लेवल का कंटेंट दिया जाता है? रेगुलर बैच वाले बच्चों कमेंट कर दो, CMA इंटर में रेगुलर बैच वाले बच्चों कमेंट कर दो.
चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पक्का से दबा देना, नहीं तो पाप कर रहे हो। हाँ रेगुलर में मजा ही आ गया सर, रेगुलर की बात ही अलग है सर। थैंक यू सो मच सर, फुल्ली लोडेड नॉलेज है सर रेगुलर बैच में। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सर। चलो पीयूष बोले सर पीडीएफ मिलेगा क्या सर, मेरा कमेंट देख लो बेटा। लेट क्यों आते हो यार, पहला 5-10 मिनट में ये सब ऑलरेडी बताया जा चुका है। जैसे सेशन ओवर होगा एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है सीएम इंटर का, उसमें शेयर कर दूंगा। अमित टेल्स भरत इन द प्रेजेंस ऑफ चेतन दैट अमित इज एजेंट। अच्छा अमित भरत के सामने बोल रहा है कि अमित जो है ना, अच्छा अमित भरत को बोल रहा है चेतन के सामने। मैं अमित हूँ, मैं भरत को बोल रहा हूँ कि मैं चेतन का एजेंट हूँ, चेतन के सामने मैं उसको अपना, मैं अपने आप को एजेंट बता रहा हूँ। तो भाई सेल बाय स्टॉपल हो गया ना, सेल बाय स्टॉपल बड़ा सिंपल है यार। ठीक है, एन एक्ट टू डिसुएड द इंटेंडिंग बायर फ्रॉम बिडिंग और फ्रॉम रेजिंग द प्राइस बाय पॉइंटिंग आउट डिफेक्ट्स इन द गुड्स। डीमोटिवेट कर रहे हैं बायर को, मत खरीद मत खरीद, इसको डैम्पिंग बोलते हैं, डैम्पिंग कि बिड जो है नीचे आ जाए। If a minor draws, endorses, delivers, minor अगर पार्टी है तो वो इंस्ट्रूमेंट सबके ऊपर बाइंडिंग रहेगा एक्सेप्ट माइनर। माइनर इज नॉट लायबल टू पे, ऑल पार्टीज एक्सेप्ट द माइनर। बड़ा सिंपल था यार ये। पार्टनरशिप फॉर्म में डिसीजन जो है मेजोरिटी लेंगे, बिल्कुल डिसीजन मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स लेंगे अगर ऑर्डिनरी बिजनेस मैटर है तो। पावर टू एग्जेम्प्ट एनी एलएलपी किसके पास है? एलएलपी को एग्जेम्प्ट कौन कर सकता है फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ एलएलपी एक्ट? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है ना, क्लियर। जो भी इंस्पेक्टर आता है फैक्ट्रीज एक्ट में वो पब्लिक सर्वेंट है, कोई बोलने का बात है क्या? फाइन आप नहीं लगा सकते, अभी थोड़ा देर पहले पड़े थे, आप फाइन नहीं लगा सकते टू पर्सन हु आर बिलो द एज ऑफ 15 इयर्स। ठीक है, इंप्लॉय अगर ईएसआई में है तो एक्सीडेंट रिपोर्ट फॉर्म नंबर 25 में भेजना पड़ता है कि फॉर्म नंबर 16 में? बताओ, फॉर्म नंबर 16, फॉर्म नंबर 16 में भेजना पड़ता है। रट्टा मारने वाला है, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता, कंसेप्ट कुछ नहीं है। ठीक है, फिर बेटा ये सिलेबस का पार्ट नहीं है आपका। एप्लीकेशन फॉर डिन इज टू बी मेड, बताओ डिन के लिए तुम अप्लाई करते हो फॉर्म नंबर कौन सा जमा करते हो? डिन के लिए जब अप्लाई करते हो तो फॉर्म नंबर फटाफट बता दो, डिन के लिए अप्लाई करते हो फॉर्म नंबर कौन से जमा करते हो? DIR 1। एक्चुअल में तो नन ऑफ द अबव होना चाहिए, डिन 1 कुछ होता नहीं। बिजनेस एथिक्स इज बेस्ड ऑन, तो ये क्वेश्चन ही हम लोग गलत घोषित करते रहे। बिजनेस एथिक्स इज बेस्ड ऑन, बताओ बिजनेस एथिक्स किसके ऊपर बेस्ड है? बड़ा सिंपल है यार, मॉरल एंड सोशल वैल्यूज के ऊपर बेस्ड है। मॉरल एंड सोशल वैल्यूज के ऊपर बेस्ड है ना, यस सर। थोड़ा फास्ट करते हैं। आउट ऑफ द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी मींस, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है बताओ? प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? कि मेरिट के हिसाब से हम लोग को डिसीजन लेना चाहिए। होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस शुड टेक डिसीजंस ओनली इन द टर्म्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, नहीं मेरिट के हिसाब से। इन कैरिंग आउट पब्लिक बिजनेस पब्लिक अपॉइंटमेंट करते समय होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस शुड मेक चॉइसेस ऑन मेरिट, यस प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, मेरिट के हिसाब से डिसीजन लो। Who is responsible for ethical behavior? Ethical behavior के लिए कौन जिम्मेदार है? Lecturers and supervisor की, psychologist की, participant की, psychologist community, ये options ही सारे गलत हैं। ठीक है, Institute ने option number B बोल रखा है, psychologist, गजब ही हाल है। Three C's of business ethics are, बता दो भाई, three C's of business ethics, compliance, contribution and consequence. Cash withdrawn by customer from bank, tacit contract बोलते हैं, ATM से cash निकालना tacit contract है, class में सिखाया हुआ है। कौन सा इसमें से इंप्लाइड कंडीशन नहीं है सोगा में? इंप्लाइड कंडीशन सेल बाय सैंपल क्वालिटी फिटनेस डिस्क्रिप्शन है, सेल बाय डिस्काउंट प्राइस ये कोई कंडीशन नहीं हुआ।
ठीक है ना बेटा? ऑक्यूपाई अ वेरी फैक्ट्री, अरे क्रेचेस देते ना क्रेचेस, कहाँ? जब कम से कम विमेन वर्कर्स एक्सीड 30, जब 30 से ज्यादा विमेन वर्कर है तब क्रेचेस देना कंपल्सरी है, ठीक है? उसके बाद सैलरी के अंदर बोनस एक्ट में क्या आता है? सैलरी के अंदर ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं आता, बोनस एक्ट में कमीशन भी नहीं आता, डीए आता है, हाँ डीए आता है, क्लियर? क्लियर है बेटा? बिल्कुल सर। कम ऑन थोड़ा फास्ट। अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इन एनी फैक्ट्री इन विच 1200 पर्सन आर एम्प्लॉयड वेजेस मस्ट बी पेड। बताओ यार वेजेस हम लोग को कब पे करना पड़ता है? बता दो, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 10 डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ। बिल्कुल। फिर ईपीएफ 1952 इज एप्लीकेबल टू एवरी एस्टैब्लिशमेंट मेंशन इन शेड्यूल वन एम्प्लॉइंग एटलीस्ट 20 पर्संस, ठीक है, 20 और मोर पर्संस। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ ईएसआई फंड कितना रहता है बेटा? बता दो फटाफट बता दो। ये है, इसमें अमेंडमेंट है, हाँ, तो ये वाला आंसर सारे के सारे ही गलत है। इसमें अमेंडमेंट है और अमेंडमेंट ऑलरेडी मेरा जो है ईएसआई का डाला हुआ है, मैं फिर से डाल दूंगा, ठीक है? फॉर्मल नोटोरियल सर्टिफिकेट अटेस्टिंग द डिसऑनर, फॉर्मल नोटोरियल सर्टिफिकेट अटेस्टिंग द डिसऑनर ऑफ द बिल और नोट इज कॉल्ड, बताओ भाई इसको अपने क्या बोलते हैं? प्रोटेस्ट बोलते हैं, प्रोटेस्ट। पब्लिक नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन देयर इज, पब्लिक नोटिस का दरकार नहीं है, बताओ कब पब्लिक नोटिस का दरकार नहीं रहता? पब्लिक नोटिस का दरकार कब नहीं रहता फटाफट बता दो। रिटायरमेंट एक्सपेल्शन डिसोल्यूशन में रहता है, एडमिशन में पब्लिक नोटिस का दरकार नहीं रहता। एलएलपी शैल फाइल एन एनुअल रिटर्न ऑथेंटिकेटेड विद आरओसी विद इन, कितना दिन के अंदर? बताइए जनाब कितना दिन के अंदर? बड़ा सिंपल है, एलएलपी एक्ट में अपने ये सीख रखे हैं कि एलएलपी जो है कितना दिन में रिटर्न फाइल करता है? 60 डेज के अंदर। बोलो भाई बोलो, मैं चैट देख रहा हूँ तुम लोग का, कितना दिन के अंदर? 30 डेज की 60 डेज, बताओ। 60 डेज, 60 डेज दोस्तों, 60 डेज। बीओडी क्या अपॉइंट कर सकता है एडिशनल डायरेक्टर टाइम टू टाइम? हाँ, इफ ऑथराइज बाय आर्टिकल्स, बड़ा सिंपल था, आर्टिकल्स अगर ऑथराइज करे तो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। बिजनेस एथिक्स आर गेनिंग इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट, यस। इसमें से कौन सा करेक्ट है बिजनेस एथिक्स के बारे में? कि बिजनेस तभी सस्टेन कर सकेगा जब वो सोसाइटी के लिए केयर करेगा। होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस, अभी तो बताए थे, शुड टेक डिसीजन ओनली इन टर्म्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट को सामने रख करके आपको डिसीजन लेना है। दिस प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ इज कॉल्ड सेल्फलेसनेस, पब्लिक इंटरेस्ट मतलब सेल्फलेसनेस। मेरिट के ऊपर डिसीजन लेना है, मेरिट के ऊपर, मेरिट के ऊपर डिसीजन लेना है, वो सेल्फलेसनेस नहीं था, वो ऑब्जेक्टिविटी था, है ना? और पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन लेना, अपना इंटरेस्ट नहीं देखना है, सेल्फलेसनेस है। रिजॉल्व द एथिकल कॉन्फ्लिक्ट, टू रिजॉल्व द एथिकल कॉन्फ्लिक्ट फॉलोइंग शुड नॉट बी कंसिडर्ड, रेलिवेंट फैक्ट्स कंसिडर करते हैं, ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व। एथिकल डिलेमा कैसे सॉल्व करते हैं? रेलेवेंट फैक्ट्स, ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन एंड एथिकल। आर्म्स लेंथ बीच में कहां से घुसा दिया, तो ऑड वन आउट है। इसमें से कौन सा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? नेसेसरी सप्लाई टू माइनर लुनेटिक, बिल्कुल क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। रीइंबर्समेंट ऑफ पर्संस पेइंग मनी बाय अनदर इन व्हिच इज इंटरेस्टेड, बिल्कुल क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। रिस्पांसिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गॉड्स, बिल्कुल क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। अनसर्टेनिटी एंड फ्यूचर, ये कोई क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अनसर्टेनिटी वगैरह ये तो वेजिंग में आ जाता है। Which of the following is the subject matter of the contract? Contract का इसमें से कौन सा subject matter रहता है बताओ? Existing of future goods, goods perishing before making contract, goods perishing before sale but after agreement to sale, बता दो। सभी कुछ है यार, सारे के सारे ही subject matter है। इसमें से कौन सा negotiable instrument नहीं होता? Share certificate negotiable instrument नहीं होता, क्योंकि वो title deed है, उसमें नाम लिखा हुआ है। इसमें से कौन सा bill of exchange होता है? बता दो भाई, इसमें से कौन सा bill of exchange होता है? फटाफट बता दीजिए दोस्तों। बैंकर्स ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट, सभी दो दो सही है, तो ऑल ऑफ द अबव ही होगा। कौन एक्टिव पार्ट लेता है? वर्किंग पार्टनर एक्टिव पार्ट लेता है, वर्किंग पार्टनर। न्यू पार्टनर कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्टनर जब यूनानिमस डिसीजन हो, कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर चाहिएगा, ठीक है? बड़ा सिंपल था बेटा। शेल्टर रूम्स विद सुटेबल लंच रूम्स आर टू बी प्रोवाइडेड इफ मोर देन डैश वर्कर्स आर एम्प्लॉयड। यार रट्टा मारने का यार, 150 से ज्यादा वर्कर हो तो। ग्रेचुटी इज पेबल टू एम्प्लॉय, रिटायरमेंट, सुपर एनवेशन, रिटेंशमेंट, सभी केस में, ऑल ऑफ द अबव केस में। पेंशन स्कीम में कितना हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं? 8.3%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, इनमें से कौन सा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर नहीं है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर नहीं होता, ओनर ऑक्यूपायर उन लोग का लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है। टाइम लिमिट फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ बोनस,
बताओ भाई टाइम लिमिट क्या है? 8 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग ईयर है ना, और अगर सीरीज परमिशन ले ले तो 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग। रिव्यू मिनिमम वेजेस कितना साल में करता है? 5 साल। अब सब रिपीट क्वेश्चन आ रहा है, जहां 1,000 से कम पर्सन इंप्लॉयड रहते हैं वहां पर आपको वेजेस कितना दिन में देना पड़ता है? 7th day, और उससे ज्यादा रहते हैं तो 10th day, लेकिन 1,000 से कम है तो 7th day, और उससे ज्यादा है तो 10th day। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट कितना दिन में इशू होता है? लिस्टेड के अनलिस्टेड पहले वो देखना पड़ेगा। अनलिस्टेड, अनलिस्टेड कंपनी में 3 महीने में आप डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं, ठीक है ना? 3 months इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बेटा? तुम मेरा पर्स ढूंढ के लाओ, मैं 1,000 रुपए दे दूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट है? कोई कंसिडरेशन नहीं, मैं तुम्हें ऐसे ही 10,000 दे दूंगा, ये कोई थोड़ी ना कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी। इसमें से अनपेड सेलर का राइट कौन सा है? राइट ऑफ अनपेड सेलर लियन होता है, बिल्कुल होता है बेटा। राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ रीसेल भी होता है। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, राइट ऑफ स्टॉपेज, ऑल ऑफ द अबव, अनपेड सेलर का सारा ही राइट। HIDC means any person who draws the instrument for consideration becomes the possessor या named in the instrument to whom it is directed to be paid, कि none of the above। बड़ा सिंपल है यार, ये तो बड़ा ही सिंपल है। बता दो भाई यहाँ पर HIDC कौन होता है? फॉर कंसिडरेशन, फॉर कंसिडरेशन जिसको बिल मिला है, ठीक है ना? यस सर, बड़ा सिंपल है सर। चलो अब वेरी फास्ट एकदम, चार्ज के बारे में आपको कब बताना पड़ता है? इंटीमेशन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चेंज। अच्छा, फॉर्म जब रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है तो आपको इसको ROC के बारे में, ROC को रिपोर्ट करना पड़ता है। कितना दिन? कोई टाइम लिमिट नहीं है रिकॉन्स्टिट्यूशन का, कोई टाइम लिमिट नहीं है। फर्म शैल नॉट कंटेन, फर्म का नाम में किंग क्वीन अंपायर ये सब नहीं रह सकता, ऑल ऑफ द अबव। फीस पेबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ LLP, LLP को रजिस्टर करने के लिए आपको इतना रुपया देना पड़ता है, रट्टा मारने का है। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पावर ऑफ इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर के पास क्या पावर है? वो फैक्ट्री में घुस सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, सीज कर सकता है, सभी कुछ पावर है। सभी कुछ हो, जबरदस्त यार, जबरदस्त। जिंदा हो जनाब, यहां से बहुत सारा रिपीट हो जाता है, मैं बता रहा हूं, बहुत सारा रिपीट होगा तुम्हारे एग्जाम में। प्रथम सभी कुछ पढ़ करके जा, बेशरम बेहया। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर कर से दबा देना, नहीं तो मिस हो जाएगा। अरे मेरे बच्चे मेरे से आगे चल रहे हैं, यही तो मैं चाहता हूं। चलो I'll catch up। Let us hit it। The gratuity payable to employee, gratuity payable to employee shall not exceed, batao bhai, gratuity payable to employee shall not exceed 20 months pay। Withdrawal from PF may be allowed for, batao bhai, withdrawal for from PF may be allowed for, tumko PF se withdraw karne mil jata hai kya cheez ke liye? Illness in certain cases, institute is cancer seedhe rakha lekin D hoga, theek hai। Employee said ESI corporation is a body corporate who is not eligible to get bonus। इसमें से किसको बोनस नहीं मिलेगा? डिसमिस, निकाल दिए तो बोनस नहीं देते। सेक्शन 9 में सीख रखे हो बोनस एक्ट का। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में फिक्स मिनिमम रेट ऑफ वेजेस।
सभी के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स कर सकता है, चाहे टाइम वर्कर हो, चाहे पीस वर्कर हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है बेटा। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट अप्लाइज टू वेजेस अगर आपका वेज डज नॉट एक्सीड 18,000 रुपये पर मंथ। वेजेस एक्ट में सीख रखे हैं। कोरम फॉर पब्लिक कंपनी जिसमें अप टू 5,000 मेंबर है, अप टू 5,000 मेंबर में कोरम कितना रहेगा, 15 कि 5 कि 30? बोलो 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 फटाफट बोलो। अप टू 1,000 में 5 है, 1,000 से ज्यादा 5,000 तक तो 15, 5,000 से ज्यादा है तो 30, या मोर देन 5,000 बोला तो 30, 5,000 से ज्यादा बोला ना तो 30। इनका जो अर्जेंट मीटिंग, अरे अर्जेंट मीटिंग में कंपनी को नोटिस देना पड़ता है 3 डेज का। एथिक्स इज अ सेट ऑफ डैश स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। ठीक है, एथिक्स इज अ, बताओ क्या, स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, बिल्कुल, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, बिल्कुल। तो प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड दोनों ऑप्शन दिया तो उसको टिक करो ना। सोसाइटी फॉर बिजनेस एथिक्स वाज स्टार्टेड इन 1980। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर भर चुका है, एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया होगा। ग्रेचुटी का सीलिंग लिमिट कितना है बताओ भाई, बताओ, मैक्सिमम मैक्सिमम होगा ये, मैक्सिमम ग्रेचुटी का सीलिंग लिमिट है 20 लाख। पहले 10 लाख था, अमेंडमेंट के बाद 20 लाख है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। इंस्टीट्यूट के आंसर्स में बहुत सारा गलत है, मैं सब सही करवाते जा रहा हूँ तुमको। ऐश करो बेटा, ऐश करो। 10 लाख दिया हुआ आंसर, लेकिन अब अमेंड होकर के 20 लाख हो चुका है, बताया ना। यस सर। ईएसआई एक्ट बेनिफिट कब देता है, सिकनेस मेटर्निटी एम्प्लॉयमेंट एंड इंजुरी सभी में देता है बेटा। ईएसआई एक्ट तो, ईएसआई एक्ट तो ये सभी में बेनिफिट देता है। यस सर। मंथली रिटर्न ऑफ कंट्रीब्यूशन जो फॉर्म नंबर 6 में इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड में आप जमा करते हैं मंथली रिटर्न कमिश्नर के पास, कितना दिन में जमा करते हैं, 25 दिन में जमा करते हैं। रटने का क्वेश्चन है, नॉट इनवाइटेड। डैश इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इसमें से कौन सा अच्छा है, कोई पूछने का बात है। मिनिमम पेड अप कैपिटल पब्लिक कंपनी का कितना रहता है, नन ऑफ द अबव, जीरो रहता है। इंस्टीट्यूट 5 लाख बोल रहा है लेकिन जीरो होगा। इफ एन एग्रीमेंट आप ऑप्टेन कर रहे हैं बाय डूइंग एन एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड, तुम जबरसी डरा धमका करके उसका हाँ मांग रहे हो, इंडियन पिनल कोड में जो बना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर्शन बोलते हैं, कोर्शन। हुंडी इंडिजीनियस बिल ऑफ एक्सचेंज है रिटन इन वर्नैक्युलर ओरिएंटल लैंग्वेज, पढ़ाया हुआ तुमको नहीं है, याद है ना। यस सर। थोड़ा फास्ट इफ यू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल पीस यू कैन ऑब्लाइज अ पार्टी टू हैव बीन्स, दिस स्टेटमेंट अप्लाइज टू इम्प्लाइड कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू फिटनेस। If you contract to sell peas, you cannot oblige a party to have beans. तुम बोल रहे हैं कि हम पी बेचेंगे तो तुम बीन्स थोड़ी ना बेच देगा, मतलब सेल बाय डिस्क्रिप्शन हुआ ना ये। क्लियर है सर। Who is an adolescent? Adolescent इसमें से कौन होता है बताओ, इसमें से बेटा adolescent कौन है मेरे को फटाफट बता दो, इसमें से adolescent कौन है, जो 15 साल का नहीं हुआ है कि जो 18 साल का नहीं हुआ है, जो 15 का हो गया और 18 का नहीं हुआ है वो adolescent है, जो 15 का हो गया और 18 का नहीं हुआ। थोड़ा फास्ट। Which of this is not NI? इसमें से NI कौन नहीं होता? Share certificate negotiable instrument होता। Public notice under Indian Partnership Act is given. Sir, public notice मतलब ROC को देना, मतलब registrar of firm को देना, gadget में छापना या vernacular language में छापना, all of the above. Person may not become agent. Agent नहीं बन सकता वो। Person may not become an agent if he is of the age of maturity, unsound mind, either of the above. नहीं, agent कोई भी बन सकता है, none of the above होगा। In the absence of contract to the contrary, agent is entitled to retain the goods of the principal. Goods, paper, property, सब कुछ agent retain कर सकता है. Section 122 of the Companies Act 2013 क्या बोलता है भाई? कि OPC के ऊपर क्या-क्या applicable नहीं होगा? OPC के ऊपर 100, 101, 105 कुछ भी applicable नहीं है यार. Companies Act का simple सा question था. In a company in which either of the government has no paid up share capital, उसको non-government company बोलेंगे, government company के listed कि non-listed, बताओ. जिसमें गवर्नमेंट का कोई शेयर कैपिटल नहीं है उसको नॉन गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे यार। सेक्शन 7 का सबसेक्शन 4 क्या बोलता है? कंपनी शैल मेंटेन रिजर्व द कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट जब तक कंपनी जिंदा है, डिसोल्यूशन तक रख के रखेगा। डैश आर द प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, अवॉइड एक्सप्लॉयटेशन, अवॉइड अनफेयर, अवॉइड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कस्टमर, अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अनफेयर ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉय को भी अवॉइड करो, सभी कुछ है। दो सही होते ही तो ऑल ऑफ द अबव हो जाता है ना। क्लियर? यस सर। In case of contractual obligation where the promisor dies
कॉन्ट्रैक्ट में प्रोमिसर पहले ही मर गया बिफोर द परफॉर्मेंस, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा यार, लीगल रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल। प्रोमिसर डाइज बिफोर द परफॉर्मेंस, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोमिसर मस्ट परफॉर्म द प्रोमिस, यस ये सही है। एंटीसिपेटरी रेपुटेशन, ठीक है 179 का ऑप्शन नंबर ए सही है, रखना इंस्टीट्यूट डी बोला लेकिन नहीं होगा। एंटीसिपेटरी रेपुटेशन एज इफेक्ट ऑफ, एंटीसिपेटरी ब्रीच का क्या इफेक्ट होता है? पुटिंग एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, यस पुटिंग एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, पुटिंग एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन नंबर बी। प्रिटेंडेड बिडिंग में सेल वॉइडेबल हो जाता है एट द ऑप्शन ऑफ बायर, बड़ा सिंपल है यार, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है मेरे बच्चों को। अकॉर्डिंग टू मिनिमम वेजेस एक्ट, वेज स्लिप शैल बी इशूड बाय एवरी एम्प्लॉयर, हाँ वन डे प्रायर टू द डिसबर्समेंट ऑफ वेजेस आपको वेज स्लिप देना पड़ता है। ऑल मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन शैल बी कैप्ट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट इन अ सेपरेट शेड्यूल बैंक अकाउंट, है ना, एप्लीकेशन में नहीं सेपरेट शेड्यूल बैंक अकाउंट में रखते हैं। सेक्शन 88 डील्स विद रजिस्टर ऑफ मेंबर, बड़ा सिंपल है, सेक्शन 88 डील्स विद रजिस्टर ऑफ मेंबर। ट्राइब्यूनल वाइंडिंग अप ऑर्डर जो है कब कर सकता है? डेट ड्यू टू एलएलपी, गारंटी गिवन बाय एलएलपी, हाँ सारा ही लायबिलिटी में देखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। एवरी मेंबर ऑफ अ कंपनी लिस्टेड बाय शेयर एंड होल्डिंग इक्विटी शेयर कैपिटल शैल हैव राइट टू वोट ऑन एवरी रेजोल्यूशन, शैल हैव राइट टू वोट, अरे मेंबर के पास राइट टू वोट ऑन एवरी रेजोल्यूशन। प्रोफेशनल प्रमोट्स पोजीशन और ओपिनियन कि उसका ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, एडवोकेसी थ्रेट बोलते हैं इसको, एडवोकेसी थ्रेट, ऑडिट का क्वेश्चन है लेकिन लॉ में दे दिया गजब। द डैश ऑफ द कंपनी शैल कंटेन रेगुलेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, आर्टिकल्स में लिखा हुआ रहता है ना, इट कंटेन्स द रेगुलेशन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, क्लियर है बेटा? सो फार सो गुड, बता दीजिए जनाब, सो फार सो गुड, यस सर। सुपरवाइजरी बोर्ड अंडर जर्मन मॉडल सिलेबस में नहीं है, फिर भी इसका ऑप्शन नंबर ये है, अगर बाई चांस ये आ गया तो याद रखना ऑप्शन नंबर ये है। जर्मन बोर्ड में जो सुपरवाइजरी बोर्ड रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑफिस ट्रस्ट। ऑडिट कमेटी, ऑडिट कमेटी जो है ना, ऑडिट कमेटी किसके साथ इंटरेक्ट करता है बताओ? ऑडिट कमेटी को इंटरेक्ट किसके साथ करना पड़ता है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर के साथ। थोड़ा फास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी, डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी कैंसिल हो जाएगा तब डिस्चार्ज हो जाएगा। पार्टनर में कॉन्ट्रीब्यूट टू एलएलपी, पार्टनर प्रॉपर्टी ला सकता है, मोबाइल प्रॉपर्टी ला सकता है, मनी ला सकता है, कुछ भी ला सकता है भाई पार्टनर तो। ग्रेच्युटी इज पेबल टू एम्प्लॉय, अगर वो इफ ही हैज रेंडर्ड कंटिन्यूअस सर्विस फॉर नॉट लेस देन 5 इयर्स ऑन हिज रेजिग्नेशन, ठीक है, रिजाइन करेगा तो ग्रेच्युटी देगा ना अगर 5 साल काम किया तो। इसमें से कौन एम्प्लॉय नहीं माना जाता? पार्टनर एम्प्लॉय नहीं माना जाता, बाद बाकी सारे एम्प्लॉय माने जाते हैं, क्लियर है बेटा? यस सर। थोड़ा फास्ट गाइस, कम ऑन। इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट भाई बता, एनपीएस, इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट मतलब एनपीएस, क्लियर है? क्लियर है सर। इसमें से कौन सा कंपनी नहीं होता? डॉर्मेंट होता है, प्रोड्यूसर होता है, इनएक्टिव होता है, असिस्टेंट कंपनी बोल करके कभी नहीं सुना। सेक्शन 92 क्या है? एनुअल रिटर्न है, एमजीटी 7। मेन फीचर ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? स्पीड में होता है ना, तो मेन फीचर स्पीड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अनपेड सेलर राइट अगेंस्ट द गुड्स, गुड्स के ऊपर इसमें से क्या राइट नहीं है? डैमेजेस, डैमेजेस तो बायर से मांग सकते हो ना, गुड्स के ऊपर रिटेंशन है, स्टॉप इन ट्रांजिट, रीसेल है, सी नहीं है। इंडोर्सर बोलता है हम कोई खर्चा वर्चा नहीं करेंगे, तो इंडोर्सर इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्सपेंसेस ऑन द बिल, तो इसको सेंस प्राइस एंडोर्समेंट बोलते हैं। अरे एनएक में पढ़ रखे हो। ये हो गया हमारा डबल सेंचुरी दोस्तों, दोस्तों ये हमारा डबल सेंचुरी कंप्लीट हो गया। बताइए जनाब कैसा लग रहा है, फटाफट बताइए कैसा लग रहा है, डबल सेंचुरी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। उसके बाद ऑलमोस्ट सब रिपीटेशन है, ठीक है, मैं ये पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दे रहा हूं। और दोस्तों मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं, एमटीपी सारे सब्जेक्ट्स का हो चुका है, मिशन हो चुका है, और जिनका मिशन नहीं हुआ मैराथन हो चुका है। और मैं आपको लिए गुड न्यूज बता दूं कि जनाब वेडनेसडे को, हाँ हाँ वेडनेसडे सही सुना, चलो ये जो कमिंग वेडनेसडे आ रहा है यानी परसों, इंडस्ट्रियल लॉ का मैराथन आपके लिए मैं पेश करने जा रहा हूं। इंडस्ट्रियल लॉ का मैराथन ऑलमोस्ट उसका शूटिंग हो चुका है, मैं उसको अपलोड कर दूंगा वेडनेसडे को ताकि आप अपने स्पीड में उसको फटाफट देख सको। कमेंट बॉक्स में पक्का से कमेंट करके बताना ये सब सेशंस कैसा लग रहा है, इतना तो कर ही सकते हो यार, एक कमेंट
करने में जो है तुम्हारा कोई टाइम नहीं जाएगा यार, 5 सेकंड लगेगा, मेरे को तुम्हारा फीडबैक मिल जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी चाहिए रहता भाई टू गेट आवरसेल्फ्स गोइंग, तो प्लीज कमेंट करना, दिन रात एक करके तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं हम लोग। सारा मिशन हो गया, एमटीपीज हो गया, एमसीक्यू सेशन सारे सब्जेक्ट का हो रहा है, बाद बाकी सब्जेक्ट का एमसीक्यू सेशन टीएम एक्सक्लूसिव चैनल पर आएगा, उसको पक्का से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, ठीक है? और वेडनेसडे को आपके लिए इंडस्ट्रियल लॉ का मैराथन आ रहा है, कंपनी लॉ का मैराथन ऑलरेडी आ चुका, इंडस्ट्रियल लॉ का मैराथन वेडनेसडे आ रहा है एंड एथिक्स के साथ। कमेंट बॉक्स में पक्का से कमेंट करो, ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूं टेलीग्राम ग्रुप पर, 200 एमसीक्यू सॉल्व करवा दिया भाई। चलो टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, लॉट्स ऑफ लव, यू गाइस आर श्योरली श्योरली गोइंग टू पास, पक्का। एक घंटा के अंदर 200 से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, क्या आप रेडी हैं? यस सर, हम रेडी हैं। चलो फिर स्टार्ट करें। द टर्म सब एजेंट, सब एजेंट इज द बिजनेस ऑफ एजेंसी इज डिफाइंड एज अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय होम, सब एजेंट कौन एम्प्लॉय करता है? एजेंट है ना, एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ एजेंट, तो जो एजेंट का एजेंट रहता है उसी को सब एजेंट बोलते हैं। नॉर्मली मैं आपको बता दूं, सब एजेंट का अपॉइंटमेंट लॉफुल है कि अनलॉफुल है? अनलॉफुल है। नॉर्मली सब एजेंट का अपॉइंटमेंट अनलॉफुल है। फर्स्ट एंडोर्समेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कैन बी मेड बाय, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यार, जो पहला एंडोर्समेंट होता है, बताओ यार पहला एंडोर्समेंट कौन करता है, फर्स्ट एंडोर्समेंट कौन करता है, बताओ भाई फटाफट बताओ, पेई। यस, मान लो चेक पेई को मिला, वही तो एंडोर्स करेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज पेई को मिला, वही तो एंडोर्स करेगा, बिल्कुल सही, पेई। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अंडर वॉलंटरी डिसोल्यूशन, वॉलंटरी डिसोल्यूशन में इनमें से कौन सा नहीं है? डिसोल्यूशन में एग्रीमेंट वॉलंटरी डिसोल्यूशन है, हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसी भी, डिसोल्यूशन ऑन बिकमिंग पार्टनर अनसाउंड माइंड, ये तो कोर्ट में अप्लाई करना पड़ता है, व्हेन द पार्टनर बिकम्स अनसाउंड माइंड वी हैव टू अप्लाई टू द कोर्ट फॉर डिसोल्यूशन, ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। व्हाइट वॉश और कलर वॉश फैक्ट्री में हम लोग सीखे हैं, फैक्ट्री एक्ट में सीखे हैं, व्हाइट वॉश कलर वॉश आपको हर कितना महीना में करवाना पड़ता है, वंस इन अ पीरियड ऑफ 14 मंथ्स, ठीक है? ये इस प्रकार का एमसीक्यू जो है ना, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंस्टीट्यूट को कि ना दे, 14 मंथ्स हो। अब ये क्लेरिकल एमसीक्यू है, कोई कंसेप्चुअल एमसीक्यू दे जिसमें बच्चों को भी करके मजा आए, ठीक है? ये क्या क्लेरिकल एमसीक्यू है, ठीक है? बट इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, 14, ओके, क्लियर? यस सर, ऑसम सर, मक्खन है बिल्कुल, आगे बढ़ रहे हैं। अब 50 एमसीक्यू के बाद ब्रेक लेंगे बेटा, 50 एमसीक्यू के बाद ब्रेक लेंगे बेटा, आ जाओ बेटा, आ जाओ फटाफट, आ जाओ बेटा, कुछ को। द टर्म फैमिली डिफाइंड इन ईएसआई, फैमिली के अंदर डज नॉट इंक्लूड, स्पाउस तो हर फैमिली में आता है, माइनर अडॉप्टेड चाइल्ड बच्चा है तो आएगा ही, डॉटर है तो आएगी, इंडिपेंडेंट मैरिड सिस्टर वो फैमिली के डेफिनेशन में नहीं आती, ये तो कॉमन सेंस लगा के भी कर सकते थे कि बच्चा बेटा बेटी और स्पाउस तो आएगा ही, इंडिपेंडेंट मैरिड सिस्टर डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ फैमिली। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स टू सेफ्टी मेजर, सेफ्टी इसमें से कौन सा है, इसमें से सेफ्टी कौन सा है? आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, वेंटिलेशन, अरे यार ये सब जो है ये सेफ्टी नहीं है, ठीक है? ये तो हेल्थ वाला है, फर्स्ट एड वेलफेयर है, ये दो तो हेल्थ है और ये वाला वेलफेयर है, तो फेंसिंग ऑफ मशीनरी सेफ्टी है। यस, इफ अ कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील शेयर सर्टिफिकेट शैल बी साइंड बाय, फटाफट बता दो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बड़ा कंपनी लॉ का, फटाफट मेरे को बता दो कि भाई शेयर सर्टिफिकेट जो है कॉमन सील अगर नहीं है तो शेयर सर्टिफिकेट कितने डायरेक्टर साइन करेंगे? दो डायरेक्टर साइन करेंगे। ई वोटिंग नोटिस शैल बी सेंट एज एन अटैचमेंट, बताओ नोटिस पीडीएफ फाइल में जाता है? यस, पीडीएफ फाइल में जाता है। डायरेक्टर में भी इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर, सेक्शन नंबर 151 में हमने सीखा है, सेक्शन 151 में डायरेक्टर चैप्टर में, कि डायरेक्टर में भी इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर अपॉन नोटिस बाय एटलीस्ट 1000 स्मॉल शेयर होल्डर भी सही है, 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स भी सही है, ठीक है ना, 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर, तो ये ऑप्शन सही है, एटलीस्ट 1000 शेयर होल्डर या फिर एटलीस्ट 1000 शेयर होल्डर 1/10 ऑफ सच शेयर होल्डर व्हिचएवर इज लोअर, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बेटा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मेटाएथिक्स भाई, एथिक्स के क्लास में मेटाएथिक्स में बताया गया था, मेटाएथिक्स डील्स विद मॉरल जजमेंट, कॉपी खोल करके देखो दिखाई देगा, मेटाएथिक्स डील्स विद द नेचर ऑफ मॉरल जजमेंट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल भी हो सकता है, एंटीसिपेटरी भी हो सकता है, इधर ए और बी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, इसमें से एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल जो है वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है बिल्कुल, कौन सा फीचर नहीं है? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट तो है, एग्रीमेंट टू सेल एग्जिस्टिंग स्पेसिफिक गुड्स का भी हो सकता है बिल्कुल, सेलर कैन सू फॉर डैमेजेस इन ब्रीच बाय बायर, बताओ 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 बताओ, बिल्कुल सेलर कैन सू फॉर डैमेजेस ओनली इन केस ऑफ ब्रीच बाय बायर, ये भी सही है, जी हाँ जनाब ये भी सही है, इट गिव्स द राइट टू बायर, हाँ बायर के पास भी राइट है, सेलर बायर दोनों एक दूसरे को सू कर सकता है डैमेजेस के लिए। एक बार ऑप्शन नंबर बी देखो, सेल्स टेक्स प्लेस फॉर एग्जिस्टिंग एंड स्पेसिफिक गुड, एग्रीमेंट सेल तो फ्यूचर गुड्स का होता है ना बेटा, फ्यूचर गुड्स का, तो ये बात इन्होंने गलत कर दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ड्राफ्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ड्राफ्ट,
इट कैन नॉट बी ड्रॉन, अरे डिमांड ड्राफ्ट रे बाबा, इट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन प्राइवेट इंडिविजुअल, इट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन प्राइवेट इंडिविजुअल। सही है ये तो। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, एक ब्रांच ऑफ बैंक दूसरा ब्रांच को बटवा करता है, कैन नॉट बी काउंटर मैनेज इजिली, ये भी सही है। इट इज ओपन टू द पर्सन टू स्टॉप पेमेंट, ये दोनों सही है, स्टॉप पेमेंट बैंक ड्राफ्ट का नहीं होता। हु मे नेगोशिएट, फटाफट बताओ भाई, हु मे नेगोशिएट, इसमें से नेगोशिएट।